अल्लाह हजराज वेलकम बैक टू द थ्री एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स टुडे इज़ द टेंथ ऑफ जनवरी 2024 और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनको ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ही वॉज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स दैट प्लेटफॉर्म बिकार वाइन्स औरिजिनली था फिर बिकार फिल्म बन गया बट उसी के साथ इन्होंने एक ऑल्टरनेट प्रोडक्शन हाउस या एक चैनल बनाया जिसमें ये वेब सीरीज करते हैं इनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है जिसको मैं कहूँगा न्यू एज मीडिया या न्यू एज कॉन्टेंट जो कि अब इमर्ज कर रहा है उसमें इनका बहुत डिटेल्ड वसी एक्सपीरियंस है रिसेंटली ही इज़ मूव टू दुबई एज वेल एंड टुडे इन दिस कॉन्वर्जेशन वी टॉक अबाउट हिज जर्नी वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन कहाँ पे आज खड़ी है पाकिस्तान में वेब सीरीज़ उस तरह क्यों नहीं बन सकती जिस तरह इंडिया में बन रही हैं पाकिस्तान में कंटेंट उस तरह से क्यों आ, नहीं आ रहा Uh, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था लॉट ऑफ वॉज एक्सपेक्टेड कि शायद 2023-24 में पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो बहुत मे हो चुकी होगी अनफॉर्चुनेटली uh, वो नहीं हुई सो वी गो डाइव डीप इन टू दैट एज़ वेल बहुत सारी और चीज़ें मुझे बात करनी थी अनफॉर्चुनेटली कानवर्जेसन जो है वो एक घंटा एक चालीस मिनट पर ऑलरेडी पहुँच चुकी हुई थी विल प्रॉबली डू अराउंड टू एज़ वेल जब आप पूरी कॉन्वर्जेसन सुन लें अगर आपको मज़ा आए तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा इफ़ यूड लाइक अराउंड टू बट एनी अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा इट रियली हेल्प्स दी एलग्रिदम अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो नीचे स्ट्राइप की दी गई हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यू कैन हेल्प अस रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल बट एनी वेज़ हेयर इज़ समीर रहमान फ्रॉम बेकार फिल्म ऑन टी टी गो दुबई स्टूडियो समी भाई कैसे हैं आप अल्लाह के शुक्र ऑल गुड थैंक यू सो मच के आप आए बड़ा uh, आपको टाइम लगा यहाँ पे हमारे आई एम सो सॉरी आई एम नोन टू बी ऑन टाइम आई एम नोन टू बी ऑन टाइम आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग ऑन टाइम और और समटाइम्स बिफोर राइट समटाइम्स बिफोर नॉट नेवर लेट नेवर एवर मेरी अम्मा कहती है हमेशा से कि वक्त से पहले पहुँचो वक्त से के बाद नहीं बट <laughs> खैर

घर से टेन मिनट्स की वॉक पे होगा सो so, uh, अब तो शायद वो स्कूल बंद भी हो गया <laughs> खैर पता नहीं अब है कि नहीं है सो इट वॉज अ स्कूल ओन्ड बाई एक बहुत मशहूर कराची की चेन है आदम जी कॉलेज कोचिंग सेंटर प्राइमरली

ठीक uh, है बट बहुत बैकवर्ड है रट्टा है है लार्जली yes. कोई भी होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है बोलूंगा कि फलसफा नहीं है दो कोचिंग सेंटर्स जो बन रहे हैं या बने हैं और कराची में पता नहीं हैव यू विजिटेड और नॉट बट कराची में कोचिंग सेंटर्स का एक नेटवर्क है अच्छा और बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनमें बहुत अच्छे टीचर्स हैं मैंने खुद पर्टिकुलरली so, कोचिंग सेंटर से क्या बनाया था कोचिंग सेंटर होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना उनमें क्लासेस होती हैं बट नहीं होती तो मोस्टली नहीं होती ठीक है okay. अब ज़ाहिर है बच्चे ने जब पेपर देना है तो वो कैसे देगा जब उसने एक चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो माँ बाप या पेरेंट्स या जो भी लोग होते हैं आपके गार्जियंस वो आपको किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिला देते हैं फॉर दोजो एक कॉलेज में पढ़ने चाहिए राइट right. बट आर प्राइवेट कॉलेज एज वेल जहाँ से आप पढ़ सकते हो बट ऑबली माई पेरेंट्स को डेंट अफोर्ड प्राइवेट कॉलेज सो आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज राइट वहाँ क्लासेस तो होनी दी थी तो कोचिंग सेंटर में आप जाते हो एंड देख सेंटर तो आप कोचिंग से मशहूर नामी ग्रामी लोग करते हैं टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपको अच्छे से घोल के पिलाते हैं जस्ट नॉट रट्टाफिक और जो है वो बच्चे को मतलब उनको बच्चे का नाम पता होता है वो बच्चे के साथ एफर्ट डाल रहे होते हैं बस वो ये होता है कि यार अब मैं आके पढ़ा रहा हूँ hmm.

तो माय टीचर्स वर काइंड इनफ टू एक तो हमारी क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होती थी थर्टी बच्चा और थर्टी फाइव क्लास उसमें भी आप दस पंद्रह लड़कियां होती थी और बाकी लड़के लड़, होते थे आई एम नॉट आई वॉज अ बैड स्टूडेंट आई वॉज नॉट गुड विद टिपिकल स्टडीज हाँ आई वॉज अड अगर मुझे कोई बात समझाता था पढ़ाता था तो मैं हमेशा से मशहूर है मेरी यूनिवर्सिटी में तो खासतौर तो पे लोग जानते हैं कि मैं क्लास में कभी पढ़ता हुआ नहीं दिखता था और जब हमारी यूनिवर्सिटी में के लेवल पे होता ही था कि जब किसी की वो आती थी वेन यू गेट्स थ्री पॉइंट फाइव जी पी ए तो आपका कुछ होता था लिस्ट या गोल्ड मेडल कुछ ऐसा कुछ मिलता था राइट मुझे याद भी नहीं कुछ मिलता था तो आई एम दो तीन मरत ऐसा हुआ है कि ऊपर हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में ये होता था और लोग मैं कभी वो अटेंड ही नहीं करता था लोग नीचा था हम ही थ्री पॉइंट थ्री कैसे बोलना है अभी मैं क्या कर सकता हूँ तो आई वाज नॉट गुड स्टूडेंट एजिकल तो मुझे तो मैं टीचर्स को याद रह जाता था मुझे <laughs> <ये> लगता है सो <laughs> so, मेरे केस में ये फायदा था कि ऐसा नहीं था और प्लस यार मैंने देखा ऐसे ऐसे भी टीचर्स थे जिनकी क्लास आप नहीं लेना चाहते थे <laughs> और ऐसे टीचर्स भी थे माई इंग्लिश वॉज वेरी बैड ठीक है अभी भी बहुत बुरी है बट ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ तो बहुत बुरी थी और मेरा इंग्लिश का टीचर इतना अच्छा था कि उसकी क्लास लेने के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लेने भी जाते थे तो शौक से अच्छा क्योंकि वो इतना मजे से पढ़ाता था कि आपका दिल चाहता था कि आप उससे हाँ। पढ़ो सीखते हम कुछ तब भी नहीं थे वो हाँ। <laughs> है ना एक स्टाइल ऑफ टीचिंग या हाउ यू टीच द दैट ही गेट्स

Um, and this is a very regularly recurring comment जो कि पाकिस्तान से मैं देखता हूँ mm -hmm. जब मैं इंडिया को देखता हूँ तो इंडिया भरा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टेंट उनके टी वी चैनल एक्जिस्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उनका कॉन्टेंट बहुत सारा इंग्लिश लैंग्वेज है जिसकी वजह से इंडिया बहुत अच्छे से ग्लोबलाइज भी हो रहा है बिकॉज इंग्लिश इज द्लोबल लैंग्वेज उस तरह से mm -hmm. पाकिस्तान मेंटेंट एंड मीडिया हेज बिकम मोर मेन स्ट्रीम मैं ये देख रहा हूँ कि देर इज दिस वियर्ड टर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा उसको अगर मैं ह्यूमनाइज करने की कोशिश करूं तो एट सम पॉइंट तो मुझे जाहिर यह नजर आता है कि देर वज स्नूटी क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग लुक डाउन अपॉन दॉन इंग्लिश स्पीकर अप जो क्लास का एक बच्चा अंग्रेजी अच्छी बोलता था वो पॉइंट करके अच्छा बोलता अच्छा बच्चा होता था हाँ, अच्छा बच्चा होता था और पॉइंट करके कहता था तू कितना पेंडु है तुझे अंग्रेजी नहीं आती राइट सो सॉरी मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था फ्रेंड्स सरमाया फाइनेंशियल और ये मैसेज है पैसे के बारे में तो पैसा तो आजकल वैसे ही हर किसी को चाहिए लेकिन ये मैसेज मैं नहीं डिलीवर करूंगा ये मेरा एक दोस्त डिलीवर करेगा जिसका नाम है तैमूर सलाहुद्दीन और नोन एज मोरू पैसा 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 भाई सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली है और अब सोए सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं क्रिप्टो फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड से कैसे दानशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसे इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुके छुके पैसे बनते रहें तो जाओ सरमाया पे और ये दो कोर्सेज चेकआउट करो अब वो एग्रेशन आ रहा है उल्टा होता था कि आप उस बच्चे को पॉइंट करते थे ये तो बर्गर है ये तो बर्गर है हाँ। या आप ये कहते थे आप बहुत अंग्रेजी झाड़ता है एग्जैक्टली exactly. so रियलिस्टिकली ट इथिंग नो गुड और बैड इन टू इट मुझे कि थोड़ा सा ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया नेशनलिस्टिक प्राइड बट देर बिगिनिंग टू लेट गो ऑफ अ स्किल दैट इज इनहेरेंटली ग्लोबल दैट इज वेरी रिक्वायर्ड अब आप दुबई आए हैं um, आपने कहा एक जमाने में आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी राइट यू डेफिनेटली वर्क ऑन इट आई द्रू दिस टीचर और

होता क्या था कि जब आप उर्दू आई एम नॉट से के उर्दू में कॉन्टेंट देखना है उर्दू में कॉन्टेंट सोचना है उर्दू में कॉन्टेंट बनाना गलत है बट आई एम सेंग उससे होता ही है कि अगर आपको अंग्रेजी का कॉन्टेंट समझ नहीं आता तो एक पॉइंट तक ही आप ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड कॉन्टेंट या सब्ड कॉन्टेंट ah. देखते हो आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू स्किप दैट कॉन्टेंट यू स्टार्ट टू वॉच वाट यू कैन अंडरस्टैंड क्योंकि देखो विजुअल मीडियम इज़ जितना विजुअली एक कॉन्टेंट इम्पॉर्टेंट है उतना ही वो साउंड वाइज इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं हो सकता कि साउंड कुछ और चल रहा और हो और विजुअल्स अच्छे हों तो आई वॉच इट नहीं हाँ बहुत कम केसेस हाँ में होता है बट यूजली ये होता है कि इफ बो थिंग्स आर रिलेटेबल फॉर यू देन यू टेन टू वॉच इट मोर ठीक है सो बेसिक लेवल की इंग्लिश आई एम नॉट सेइंग कि यार आप कोई फ्लुएंसी आ जाए आपको अंग्रेजी में या आपको बड़े बड़े आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाए बट बेसिक लेवल इंग्लिश आपको समझ आने लग जाए ना तो उससे आपके लिए फायदा ये होता है कि यू कैन टू वॉच अदर टाइप ऑफ यूज़ अदर टाइप ऑफ कॉन्टेंट अदर टाइप ऑफ पीपल जिससे फ़ायदा आपको सिर्फ ये होता है कि आपकी एक सोच है ना यार uh, since, देखो प्राइमरली हिंदी या उदू दो ही शहर हैं जो दो ही मुल्क हैं जो फ्लूंटली uh, बोलते हैं huh. बाकी जगहों पर भी बोली जाती है बट उनका उनका जो कल्चर है ना वो उनकी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट नहीं होता ठीक right. है तो हिंदी या उदू हिंदी बार बार इसलिए बोलना इट्स वेरी सिमिलर टू उर्दू right. वेरी सिमिलर टू उर्दू तो आपके पास सिर्फ उसी जगह का कॉन्टेंट आता रहता है mm. और जाहिर है फिर उसका कॉन्टेंट क्रिएटर उसी कल्चर और उसी सोसाइटी और उसी नॉर्म्स में रहते हुए कंटेंट बनाता रहता है हाँ. तो वो जो दूसरा कोई नॉर्म या दूसरा कोई कल्चर का कंटेंट आता है तो आइर यू डोंट एक्सेप्ट इट के um, ये, क्या ये क्या है क्या है? हाँ. या आप उसको स्किप कर देते हो हाँ. क्योंकि आप कहते हो यार मेरे समझ ही नहीं आ हा रहा राइट आई एम नॉट से हर किसी को अंग्रेजी में फ्लुएंट होना चाहिए टूटी पूटी अंग्रेजी आई एम हैप्पी विद डैट उसका रीजन सिंपल ही है कि भाई अंग्रेजी इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इट डज नॉट गिव यू अ पर्सनैलिटी इट डज नॉट गिव यू इट डज नॉट मेक यू स्टैंड आउट इन द क्राउड आई एम जस्ट संगसेज समझ आ जाए हाँ. that's it. आप मैसेज समझ सको और आप मैसेज फॉरवर्ड कर सको हाँ दैट इज फॉर मी दैट इज द बेसिक आई थिंक सबको होना चाहिए करना चाहिए करना इन द द एज ऑफ इंटरनेट जब इतना आसान हो गया है यार मैंने अपनी अंग्रेजी लार्जली बनाई थी फ्रेंड्स देख देख के मैं बोलने था भाई, था भाई था हुआ क्या हुआ? आप मैं अपनी बात करता हूँ मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैट्रिक तक तो मेरी अंग्रेजी बहुत ही फर्क थी बट आप मेरे कजन्स में जो मेरे बड़े कजन्स थे वो कोई और शो देखते थे प्राइवेटली फ्रेंड्स देखते थे या और भी फ्रेंड्स तो मैं अलाउड ही नहीं था बचपन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे माई आई बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली तो हमारे यहाँ गुड फैमिली भी कह लो और थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली भी थी तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स की तो एक ग्रुप एक थी ओके इफ़ यू आर 18 प्लस देन यू आर अलाउड टू वॉच फ्रेंड्स इफ़ यू आर बिलो दैट यू नॉट अलाउड टू वॉच फ्रेंड्स बट अब जाहिर है आपका आप देख रहे हो आपका बड़ा कज़न <laughs> आपका बड़ा भाई देख रहा है तो आप छुप छाप के कुछ तो देख लेते थे तो आपको समझ आता था अच्छा जी कुछ अंग्रेजी में है और ये कुछ बोलते हैं और इनको समझ आता है तो ये हंसते हाँ। और ये हंसे जा रहे हैं क्यों हंसे जा रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो Haan. आप होता है ना आपको यू गेट क्यूरियस तो फ्रेंड्स एक पार्ट था बट फ्रेंड्स वॉज नॉट दी थिंगटून कार्टून टू मी कार्टून ने जितना कुछ चेंज किया ना आई वॉज एवेट कार्टून वॉचर ठीक है मतलब स्कूल से आके मेरे भाई वगैरह सो जाते थे आई शुड वॉट कार्टून मुझे कार्टून चैनल या निकलोडियन या मेरे टाइम में तो कार्टून नेटवर्क था यार मेरे घर पे तो कार्टून नेटवर्क था डिजनी आता नहीं था निकलोडियन आता था वो उस तरह होता था कि आ रहा है आज आ रहा है और कल नहीं आ रहा है क्योंकि वो आपके केबल सिस्टम होता था ना हा, हा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हम लोगों के तो तो हाँ। हाँ। केबल सिस्टम होता था हाँ। और केबल सिस्टम का ये था केबल वाले का चार हाँ। <laughs> तो या आठ नंबर पे आएगा ही आएगा तो कार्टून नेटवर्क टाइम भी पता चल गया था यार इतने से इतने बेबलेट आएगा इतने से इतने कोई और आएगा ठीक है कार्टून वॉज द फर्स्ट की फॉर मी फिर right. उसके बाद ज़ाहिर है आप फ्रेंड्स के आदि हो गए फिर आपने मल्टीपल शोज देखना शुरू कर दिए एंड फिर आई वेन टू आई डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑब्वियसली बिकॉज कॉलेज में गया बट वो नहीं, एक, था हाँ, या नहीं, था हाँ, हाँ, वो नाम का कॉलेज था तो आप ज़ाहिर है उधर जाते हो कोचिंग सेंटर जाते हो वहाँ डिफरेंट लोकेलिटी के लोग आते हैं स्कूल जब आपका मोहल्ले का ना तो आपके पास उसी मोहल्ले के बच्चे आते हैं बट right. आप किसी कोचिंग सेंटर जाते हो विच इज़ लि फार फ्रॉम योर होम तो आपके पास दूसरे मोहल्ले के बच्चे आते हैं राइट और उनमें जाहिर है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइब्रेरी आपसे बेहतर होती है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइब्रेरी आपसे भी गई गुजरी होती है तो टू थिंग्स तो वहां आपको समझ में आया कि यार ओके okay, सब फ्रेंड्स देख रहे हैं मैं भी देख सकता हूँ mm. फिर आप फ्रेंड्स देखना शुरू करते हो फिर आपको समझ आता है अच्छा फ्रेंड्स देख रहे हैं कोई कोई और शो है उसका नाम है हाउ ए वो क्या है ओके चलो ये भी देखते हैं वो वो सिमिलर लेजेंड वेट फॉर ए डेरी यू 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 नो स्टार्ट रिलेटिंग टू थिंग्स हाउ कैन बी

टाइम पास गेम राइट से तो जब मैट्रिक की हमने तो मैट्रिक में एक ज़माना चला था पता नहीं बाकी शहरों में मुल्क चला था कि नहीं चला था बट कराची में चला था कि गेमिंग ज़ोन्स का कॉन्सेप्ट आया था राइट right. तो नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी कि इंटर का ईयर्स ये चार साल मैंने जो दबा के गेमिंग जोन्स में जाके गेमिंग की है

मुझे याद है मिड टर्म्स थे हमारे स्कूल के मैट्रिक से पहले मैट्रिक के जो फाइनल पेपर्स होते हैं ना वो फाइनल पेपर्स होते हैं कि बेसिकली एक बोर्ड आपको एक एग्जामिनेशन हॉल टाइप तो मॉक एग्जाम जो होता है ना स्कूल में एक होता है समझो कि वो पेपर कहते हैं उसको हाँ. और मैं पेपर पर बैठा हुआ था और हमारा फिजिक्स का पेपर था या पता नहीं कुछ था और मैं बैठा हुआ था और मेरा मूड नहीं हो रहा था लिटरली मूड नहीं हो रहा था अम्मा से बहुत मार पड़ी थी मुझे याद है मैं मूड नहीं हो रहा था मैंने पहला सवाल किया उसके बाद मैं मैम को पेपर दिया और मैं आ गया मुझे आता भी नहीं था शायद ये दो और से बाल आते थे और बाकी नहीं आता था कुछ तो मैंने मैम को दिया और मैंने बोला मैम मैंने चीटिंग तो नहीं करनी मैं जा रहा हूँ और मैं चला गया <laughs> बहुत बहुत डांट सुनी मैंने घर पे बहुत मार पीटी ये वो सब कुछ हुआ कि पास तो हो जाते अब तो तुम्हें बैठने नहीं दे देंगे दे क्योंकि स्कूल स्कूल्स, स्कूल्स पेरेंट्स को प्रेशर करते थे कि अगर ये पास नहीं हुआ तो हम आपको इसके बच्चे को आपके बच्चे को अपेयर नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी स्कूल का रेपटेशन राइट स्टेक पे राइट मेरी अम्मा ने बोला भाई आपकी रेपटेशन गई तेल ले बच्चा पास हो जाएगा तो खैर वो गए हम पास पास हो गए टीचर्स वर के तो जो तो कुछ नहीं आता तो पास कैसे हुआ पास oh yeah, आता है huh. ना। तो खैर uh, मेडिसिन huh. तो बाय द एंड ऑफ ईयर ना आई रियलाइज के यार मेडिसिन में अगर मेरा मेरा डॉक्टरी में तो नहीं होता द परसेंटेज आई गॉट मेरे अम्मा अब प्राइवेट तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस वक्त उस मेरे जमाने में कोई आठ सवा आठ लाख रुपये सालाना साला फीस होती थी ये मुझे पता था मेरे अम्मा अब्बा तो नहीं देनी ah. और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में मेरा एडमिशन होना नहीं है फॉर श्योर तो द सेकेंड मोस्ट थिंग आई लव देन वॉज गेमिंग ठीक है आई ऑप्टेड फॉर समथिंग कॉल्ड बैचलर्स इन गेम डेवलपमेंट एंड मीडिया इट एक्टिव अ मलेशियन यूनिवर्सिटी मलेशिया में थी हाँ मलेशिया यूनिवर्सिटी थी मलेशिया में थी मैंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था अच्छा इंटरेस्टिंग है में वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में कन्वेंशन होती है ना एजुकेशन फेयर हाँ इस तरह का कुछ होता है तो मेरा कजन था उसको पता था वो आज तक हम दोस्त हैं उसको पता था कि समीन को ऐसा कुछ करना है और दोनों भाई चलते हैं हाँ. हम हाँ, दोनों भाई पहुंच गए वहाँ जाके सारी उनको क्या पता हम कहाँ से आए हम उनको क्या पता हम मेडिकली अफोर्ड नहीं कर सकते मलेशिया का अफोर्ड करेगी हम चले गए कॉन्फिडेंट बचपन था गए वहाँ जाके पता किया और सारी डिटेल्स लेके आए तो जब हम घर आए तो जो मे मेरा कज़न मेरा दोस्त है उसके बड़े भाई ने देख लिया कि हम क्या हरकतें करते फिर रहे हैं उन्होंने तुझे क्या करना है बोल यार ये एक कोर्स है बड़ा मज़े का है ये मुझे करना है क्योंकि मेडिकल में तो नहीं होने वाला अच्छा एक काम कर के में एक डिपार्टमेंट है विजुअल स्टडीज़ का उस वक्त किसी, तो किसी को नहीं पता था टू थाउजेंड नाइन की बात कर रहा हूँ किसी को नहीं पता था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है विजुअल स्टडीज़ उन लगा ये एक डिपार्टमेंट है के का बेस्ट डिपार्टमेंट है तुझे बहुत मज़ा आएगा तेरे मतलब का काम है तुझे आर्ट की तरफ जाना है ना मुझे कुछ समझ आ रहा है मैं अच्छा ठीक है पता लगा कि जी हमारे खानदान में एक लड़की होती है वो कर रही हैं उसकी तैयारी करी है तीन महीने से तीन महीने से तैयारी करी है एक हफ्ते बाद टेस्ट है सभी साहब को अब पता चल रहा है, है। जैसे तैसे गए टेस्ट दे दिया के के टेस्ट होते हैं छब्बीस सौ बच्चा ट्वेंटी सिक्स हंड्रेडिंग टेस्ट या गिविंग टेस्ट फॉर दैट प्रोग्राम उसमें से 92 बच्चा सेलेक्ट होना था अच्छा। उस 92 बच्चे में से शायद 50 60 बच्चा फाइनल होना था right. जो 92 बच्चा होना था उनका इंटरव्यू होना था जो, जो मेरी कजन थी जो तीन महीने से तैयारी करी थी उसका क्लियर नहीं हुआ और समी साहब का क्लियर वेरी बैड ऑफ मतलब नहीं हुआ और मेरा कैसे क्लियर हो गया मुझे नहीं पता हाँ। हो गया क्लियर इंटरव्यू की बारी आई इंटरव्यू दिया जाके इंटरव्यू के बाद नाम नहीं आया अच्छा आई वाज वेरी डिसर्टेड फिर के यूके एक और फॉर्म होता है वो भी हमने साइमल्टेनियसली भर दिया था तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया था एनवायरमेंटल साइंसेस में मैं एक मैं मौसम विभाग में समी साहब बैठे होते और बता रहे थे आज बारिश होगी कल बारिश होगी सॉरी यार एरो ऐसा का बोल रहा बड़ा जैसे तो मेरे कजन को ये समझ आया कि यार ओके okay, अगर 26 आउट ऑफ 2600 राबिया डिड नॉट क्लियर एंड यू गॉट क्लियर तो कुछ तो है हां कुछ तो कर लेगा लड़का उनके एक दोस्त थे उनके छोटे भाई बहन पढ़ते थे हमारी यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी थी पी ए एफ कीट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी उसका एक डिपार्टमेंट था कॉलेज ऑफ ऑफर आर्ट अन नोन तरीन और फीस भी काफी मुनासिब थी मतलब ठीक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी तो ये प्राइवेट थी या ये दिस मोर लाइक आर्म फोर्सेस टाइप्स नो नो दिस वाज प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी आर्म फोर्सेस को इस पर डिस्काउंट मिलता था ऑफिस क्योंकि इट वाज रन बाय एक्स आर्मी पर्सनल राइट बट थी ये प्राइवेट बट कम्पेटिवली टाइम पे अगर इंडस वैली या बहरिया या जैब से मिलाओ तो वो महंगी थी और ये काफी लोअर ब्राकेट में थी और इनका जो डिपार्टमेंट था वो टू थाउजेंड सिक्स में इस तरह की यूनिवर्सिटी थी तो मेरे कजन ने बोला तू जा ट्राई तो करना

All over family because My family is full of bankers, chartered accountants, doctors, and last of them are engineers. Last of them are engineers. Uh -huh. Bhagisab, my nana was a doctor, my mamu uh, my my mamu was a chartered accountant, my you name it. Now we have accountants, this, we have bankers, this, uh, we have everyone else. This freedom was this exclusive to you? Yeah, was your brother also given that freedom carefully? He आई थिंक माई पेरेंट्स गेव फ्रीडम टू ऑल ऑफ देर चाइल्ड सो ऑल थ्री अस गट द फ्रीडम ऑफ डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू माई फादर ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव बट ही साइड के यार देखो आई कैन अफोर्ड दिस सो आई कैन गिव यू दिस इसके आगे का यू नो माई कंडीशन तुम्हारी मर्जी तो आई साइड ओके बट अगर कोई और आगे खानदान में बोलेगा कि सभी को ये नहीं करना चाहिए तो आपका क्या स्टांस है यू वाइक नो यू तुम्हें जो करना है तुम करो hmm. मुझे मसला नहीं है अनटिल वो मुझे इफेक्ट करे hmm. कि तुम आओ और बोलो नहीं जी इस महीने की तो फीस भरनी ही भरनी है और दो लाख रुपए चाहिए तो मैं hmm. नहीं दे सकता तुम्हें मैं भी इसे बता रहा हूं बट hmm. जब तक वो मेरे पास नहीं आ रहे मुझे मसला नहीं है जो करना है करो एंड यू हैव माई माई ब्लैसिंग ब्लेसिंग और माई मॉम वॉज सो सो माई पेरेंट्स डिड नॉट ग्रेजुएट ठीक है माई मॉम वॉज शी डिड इंटर

जी ये मीडिया का आपका और वो भी हमारा <laughs> खानदानी था रजी <laughs> रजी फोटोग्राफर आएगा भाई आपको पता है रजी भाई को फोन करना है वो आएंगे उनको ये भी पता है कौन सी खाला कौन है अच्छा <laughs> क्योंकि वो समझना तो उनके तीसरा बच्चा आता था तो वो सो हिज जनरेशन से राइट ठीक है ठीक है नाइन तक शायद खुदा के लिए आई थी उसके अलावा कोई फिल्म नहीं आई थीड टू मेक फिल्म फिल्मिंग की तरफ इस तरह आया कि मैंने जब एडमिशन लिया तो आए ऑप्टेड फॉर एनिमेशन दैट वॉज द क्लोजेस्ट टू गेमिंग क्योंकि क्योंकि वहां पर एनिमेशन का बेसिक चाहिए होगा बट बाय दाई फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर आई रियलाइज आई लाइक टेलिंग स्टोरीज राधर देन सिटिंग इन फ्रेमिंग एवरी सिंगल सिंगल फ्रेम फॉर एनिमेशन Right. I, don't, I don't have the patience to do it. Huh. I realize that. I have the patience of working on a film for two years. I did that. But I don't have the patience to work in a single room, work on every single frame just to tell a story. Hmm. <laughs> शायद फिल्म मेकिंग इज वेरी सिमिलर टू इट बट पता नहीं क्यों मुझे ये रियलाइज हो गया कि एनिमेशन इज नॉट माई फोर्टे प्रॉब्ली द स्टोरी टेलिंग बिट इज द थिंग विच आई लाइक द मोस्ट राइट एंड फ्रॉम माई फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर आई रियलाइज आई चेंज माई डिग्री माई डिग्री वॉज बैचलर्स इन कंप्यूर आर्ट्स आई चेंज इज टू बैचलर्स इन टी वी इन फिल्म प्रोडक्शंस आई टोल माई डीन उनसे मेरा फड्ढा आज तक चलता रहे हमारे बहुत फड्ढे होते हैं द बेस्ट गाइड फॉर मी

कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जैसे सेल्स वीडियो, वीडियो तो बेग से. right. टाइम नहीं होती थी उनके बजट भी लेस होते थे बट फॉर मी डेट वॉज माई फर्स्ट जॉब और वो एक्सपोजर वगैरह अच्छा वहाँ पर आपको मिल रहा था या बेसिक लर्निंग स्टडी तो ये मेरे लिए अच्छा था क्योंकि hmm ठीक है आई वॉज इन माई सेकेंड सेमेस्टर बट बाई द एंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर और बाय द एंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर आप उस वक्त तक कुछ खास सीखते नहीं हो आप कुछ सीखना शुरू करते हो तो फॉर मी इट वॉज हेड स्टार्ट के आई वॉज ऑन द फील्ड वर्किंग तो उससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा था कि जब हम उस कोर्स तक पहुँचते थे तो आई ऑलरेडी न्यू कि ओके क्या बात हो रही है क्या करना है क्या क्या नहीं करना है और एंड आई वॉज डूइंग जॉब बिकॉज आर्ट स्कूल की फीस तो चलो एक चीज़ होती है बट आर्ट स्कूल के सो वो एक्सपेंसिस चलो फीस तो किसी ना किसी तरह अरेंज हो ही रही थी एक्सपेंसिस मैं किसी से नहीं बोल सकता था क्योंकि बड़ी ah. लाइक like, यार ठीक है फीस तो वैसे ही एक तो फीस ज्यादा है और uh, क्योंकि कंपेरेटिवली अगर मैं बी बी एस शी बी ए करता था तो उसकी फीस कम थी अच्छा कंपेरेटिवली मैं सिंस बी एस टी वी एन फिल्म कर रहा था तो उसकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा थी और फिर ज़ाहिर है उसके एक्सपेंसिस भी उतने ही थे क्योंकि आपके जो पर वीक असाइनमेंट्स होते थे बीबीए वालों के क्या असाइनमेंट्स होते हैं कि प्रेजेंटेशन बना के लाओ एवरी थिंग कुड बी डन ऑन अ कंप्यूटर और और ऑन लैपटॉप तो मैक्सिमम दे कैन गेट अ लैपटॉप फॉर देम मेरे लिए एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए था ताकि उस पर फ्री हैंड और एडोबी और प्रीमियर और आफ्टर फिक्स चल सके फिर मेरे लिए कैमरा भी हर, चाहिए हर, हर हाँ कैमरा तो चलो बात का एक्सपेंस था बट हर हफ्ते की आपको शीट्स खरीदनी है फॉर य right. ड्रॉइंग्स फॉर स्टफ लाइक दैट पेंसिल्स आपको चाहिए हर तरह की नॉर्मल पेंसिल्स आप लेते हो क्या एक पेंसिल दस रुपये की ले लेते होते तो आपके एक्सपेंसिस भी उतने ही ज्यादा so सो यहाँ पर मतलब ये फिल्म था बट पूरा like उन्होंने आपको डिजाइन सिखाया ड्रॉइंग सारा कुछ सिखाया दुनिया में कहीं पर भी तुम फिल्म स्कूल जाओगे तो दे स्टार्ट यू फ्रॉम दैच दे ट्रीट यू एज स्क्रैच प्रोडक्ट और उसमें ना दे टेल यू क्योंकि देखो इफ यू डोंग हाउ यू क्रिएट स्टोरी बोर्ड्स राइट ठीक है इफ़ यू डोंट नो बजटिंग हाउ इफ यू नो अकाउंट हाउ डू बजटिंग राइट यू नो इफ यू डोट नो वट इज कलर थ्योरी हाउ वि गुड फ्रेम समझ रहे हो तो एवरी थिंग इज रिलेटेड तो फर्स्ट टू थ्री सेमेस्टर्स जो फंडामेंटल सेमेस्टर्स होते हैं हमारे लिए यानी कि फर्स्ट वन पॉइंट फाइव ईयर्स वो बहुत बेसिक कोर्सेज होते हैं उनमें तबाह की आर्ट्स ऑफ लाइज लगती हैं राइट right. मुझे आज तक याद है कलर्स होते थे अब तो नाम भी भूल गया ओसाका के सस्ते वाले होते थे जो हम लेते थे वरना एक अच्छे लेवल के होते थे आप वो खरीदना पसंद करते थे हाँ, और वो आप खरीद नहीं सकते थे क्योंकि वो एक कलर होता था हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी का एक कलर होता था यू हैव टू बाय कलर्स और वो साले दो तीन हफ्ते चलते थे हाँ, क्योंकि आप ज़ाहिर भी ज़्यादा करते हो आप जब बच्चे होते हो हाँ, तो आप ज़ाहिर भी ज़्यादा करते हो तो वो काफ़ी महंगा था तो डेट वॉज वन ऑफ द रीजन आई स्टार्ट डूइंग जॉब के

33, to be exact I I I I remember it. Or generally where would would you rank yourself in that, uh, in in that that terms of When when started started my first semester I would say oh that was an interesting story <laughs> <laughs> जिंदगी में कभी फेल नहीं कभी हुआ और मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर अंग्रेजी में फेल हुआ पहले झूठ झूठ कह रहे हैं उसको वो कह रहे हैं आपने कहाल हुआ और फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी में फेल हुआ और जो मेरी क्लास जिन कजन की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने जो क्लास ली थी हाँ। उन्होंने बात सुन तूने सारी जिंदगी एक सब्जेक्ट पढ़ा है ठीक है तूने छह कोर्सेज उठाए छह में से एक ऐसा कोर्स था जो हमेशा जो तुने तुने हमेशा पढ़ा है पढ़ाए हाँ। और पांच ऐसे कोर्सेज थे जो हम सब ने पहली बार बेसिक डिजाइन वट इज बेसिक डिजाइन कलर थ्योरी वट इज कलर थ्योरी हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स वी डोंट नो पांच ऐसे कोर्सेस थे जो हमें नहीं पता एक कोर्स था जो हम सबको पता है और तू पढ़ता आ रहा है उसमें कैसे फेल हुआ

और नहीं। हमने नहीं लिया था मैं जिस ग्रुप में बैठता था जाहिर है यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप आ, में 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 गया, तो तो <laughs> और बेस्ट पार्ट ये था चलो मैं तो फेल हुआ हुआ ना चलो हम तो पाकिस्तान कराची में पढ़े लिखे थे हा, एक हा, बच्ची थी शी वाज ए लेवल स्टूडेंट सऊदी अरब से पढ़ के आई थी तो समझ उसकी अंग्रेजी कैसी होगी उसकी अंग्रेजी तो हमसे करीब भी नहीं आती होगी ना उसकी अंग्रेजी तो अच्छी होगी भाई वो भी फेल हुई थी एक बच्ची थी जी

मोस्टली uh, वो इस तरह होता है कि यार कहीं नहीं समझ आई तो यार मैं कहीं एडमिशन नहीं हो रहा तो, हमें इस नहीं था अच्छा तो में घुस गए स्टडीज आपके वर पांच से सात बच्चे थे जो जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला तो आ गए थे अच्छा बाकी क्योंकि देखो अगर अगर हम Uh, किसी बड़ी और नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी की बात करें ना उसमें ऐसा कोई बच्चा आ रहा है ना तो वो शायद इसलिए आ रहा है कि उसको कहीं और नहीं मिला तो उसने इधर एडमिशन ले लिया कि चलो हाँ। तो मैं इस यूनिवर्सिटी में तो हूँ हमारी यूनिवर्सिटी का वैसी कोई नाम नहीं था और फिर हमारी यूनिवर्सिटी का जो नाम भी था ना वो था एरोनाटिकल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग में क्योंकि ज़ाहिर है देवर देवर प्राइवेटली एयरफोर्स रिटायर्ड पीपल तो उनको जहाज की समझ थी या उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग आती थी huh. तो उसी तरह के बच्चे वो प्रोड्यूस करते थे तो जो आज भी उसके बच्चे मशहूर हैं हमारे बट आर्ट्स so, की उनको कोई समझ नहीं थी तो हमारी यूनिवर्सिटी में अगर कोई आर्ट्स में एडमिशन ले रहा था ना उसका रीज़न ये था कि उसको आर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेना था बट ही कंड अफोर्ड एनी ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज दे वार सो एक्सपेंसिव और ही और शी कु गेट एडमिशन इन एन और के यू और यूनिवर्सिटी चीपर दैट्स वाई गॉट इन दिस यूनिवर्सिटी पाँच सात ऐसे बच्चे थे जो बस आ गए थे आई अंडरस्टैंड शौक से आए थे बट उनको समझ आ गई थी कि वो हाँ उनका ये टेम्परमेंट नहीं है yeah. बट बाकी जो बच्चे थे ना वो वो वही थे जो ये करना चाहते थे मेरे अंदाजन क्योंकि वरना इस यूनिवर्सिटी में नहीं आते वो वो इस यूनिवर्सिटी में आया उसका रीज़न ये था कि यार फीस इससे कम इस पढ़ाई की और कहीं नहीं है पाकिस्तान में तो ये एक बचत थी बट अमंग दोस्त फिर वही बात है कि अमंग दोस्त थर्टी थ्री बच्चे अगर मैं अपने आप को टेन में रहता हूँ उसका रीज़न वही था कि मतलब अपने मुँह में मिट्ठू नहीं बनना चाहता बट बचपन से आई वज द वन तो आई मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एक सेमेस्टर एक कोर्स में फेल होने के बाद मेरी जी पी ए बस थ्री पॉइंट फोर टेक्निकली अगर मैं एक फेल होता हूँ तो मेरी जीपीए बहुत कम होनी चाहिए थी बट uh, मेरी जीपीए पी वो थ्री पॉइंट फोर फाइव कोर्सेज की तो आई वॉज नॉट डूइंग बैड राइट स्टडीज वाइज इंटरेस्टिंग सो बेकार फिल्म कहाँ पर आया है सारी uh, उसमें no. और पहले मुझे ये बताएं बैच मेट नो no. कहा बना कैसे बना क्यों बना पोट हम सबको ये बोलते हैं शौक था और वो स्टार्ट हो गया हुआ ये कि यार सिंस मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से, से जॉब स्टार्ट कर दी थी जैजी ने अपने लास्ट सेमेस्टर में जॉब स्टार्ट कर दी थी या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में जॉब स्टार्ट कर दी थी मुबीन वाज वर्किंग ओन स्टूडियो हमेशा से अच्छा आरदा एक इंटर्नशिप कर रही थी उस टाइम पे शी वॉज वर्किंग इन आर्ट्स बट बैचेस का बताया ना पहले मुबीन वॉज ही मोस्टा थ्री सेमेस्टर सीनियर दैट मींस वन एंड हाफ ईयर सीनियर टू मी ठीक है जैजी वॉज वन सेमेस्टर सीनियर टू मी ओके एंड आई वॉज बट आई हैड मोर एक्सपीरियंस आई हैड मुबीन के लेवल का एक्सपीरियंस बिकॉज माई अर्ली एक्सपीरियंस बिकॉज माई अर्लीब्स राइट ठीक है तो आई हैड मुबीन के लेवल के एक्सपीरियंस जैजी ने अपने सेकंड सेमेस्टर में जॉब सेकंड लास्ट सेमेस्टर में यानी कि अपने फोर्थ ईयर में जॉब स्टार्ट कर दी थी और उसके शायद फोर uh, ईयर्स में ग्रेजुएशन भी नहीं था, ही टुक वन मोर सेमेस्टर, तो ही टुक अबाउट फोर एंड हाफ ईयर्स टू कम्प्लीट हिज एजुकेशन ग्रेजुएशन टुक गुड एट ईयर्स टू ग्रेजुएट माशा सेट ईयर्स एंड नॉट बिकॉज हीज इट वॉज बिकॉज एवरी नाउ एंडन ही गोट अ प्रोजेक्ट he did that So, Mubin, uh, we were tired of working for others. Uh, by the end of my third semester, yeah, in the middle of my third semester, I joined a channel called Health TV. Uh, Jazzy joined an agency called, uh, it's a big time agency, I'll not say their name. He joined a very big agency. And Mubin was working with multiple corporate clients, Engro, um, टी सी एस टी सी एस हाजिर जब लॉन्च हुआ था तो मुबीन वॉज पार्ट ऑफ द वीडियो प्रोडक्शन टीम मल्टीपल कॉर्पोरेट इवेंट्स मुबीन वॉज दैट वी वर टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स और वो एक वी वर लाइक यार ठीक है अब ये जो आइडिया आया है जो हम पिच कर रहे हैं और वो उनको नहीं पसंद आ रहा अब क्या करें हम एक ब्रांड था चिप्स का उसका एड इतना बुरा था कि हमने बोला यार इस, ये इसकी तो हम बजाएंगे इसकी तो इसको नहीं छोड़ेंगे अब वो हम ब्रांड को पिच किया कि यार ओके दिस इज वॉट वी वॉन्ट पैरिडी विच वी वॉन्ट टू टूट सर नो सवाल वाली पता नहीं होता एजेंसी से नो पागल हो गए मरवाओगे हमारा बड़ा क्लाइंट है हाँ. इसकी जो पेरेंट कंपनी है उनका नाम पता है तुमको हाँ. बोलते हैं हाँ पता तो है तभी तो करना चाहते हैं <laughs> तो ही उसमें हाँ. तो और यूनिवर्सिटी में बैठे होते थे जॉब्स ऐसी हो गई थी कि यार फोन कर दिया का, काम हो गया ना आ रहा आ हूँ शाम तक आता हूँ जॉब्स ऐसी हो गई थी अब सेटिंग्स बनाना तो हमने पहले ही सीखा है कि जॉब में घुसते थे एक महीना लगाओ अपनी सेटिंगें बनाओ हाँ. काम मोटिवेशन में डालो अपना का भी कोई कर रहा होगा <laughs> तो हम जब यूनिवर्सिटी में बैठे होते थे हम बोलते थे यार ये आइडिया है क्या करें आउट ऑफ नो एक दिन मैं रिदा और जहाजी रिदा को कुछ एक मार्केट है वहाँ पे कराची में क्लिफ्टन में रिदा को कुछ कपड़े छपड़े शीजन टू रिदा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर इज वेल इनहेरेंटली मतलब उसको बचपन से शौक था तो वो खुद से करती आई है तो उसको कुछ कपड़े लेने थे उसको किसी इवेंट के लिए कुछ बनाना था तो हम उसके साथ गए तो वहाँ हम चलते हुए हमें दिखी एक चेयर और हम काफ़ी देर से घूम रहे फिर रहे थे और हमें ख्याल आया यार चेयर कितनी बड़ी नेमत है दैट वॉज द फर्स्ट वीडियो वी शॉट अब हमने शूट कर ली हम यार करें क्या जैजी ने अपनी प्रोफाइल पर डाली अच्छा एंड एवरीबडी फ्राम आर फ्रेंड्स ग्रूप लव एंडाइड यार कुछ करो ना अच्छा फिर हमने बनाया बेकार वाइन्स राइट right.

एंड वी शॉट द एंटायर कराची जहाजी को उस वक्त नई नई गाड़ी मिली थी मतलब नई 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 उसके घर में नई नई गाड़ी आई थी तो हमारे पास एक एक्सेस आ गया था गाड़ी आ गई है yes! <laughs> और कैमरा मेरे पास था मैं ख़रीद चुका था उस वक्त तक जहाजी के पास भी उसका कैमरा था मेरे पास दो चार लेंसेज थे मेरे ऑफिस की तरफ से जुगाड़ दी अपने बॉस से सेटिंग की थी मतलब यार मुझे लेंसेंस चाहिए शूट के लिए देंगे ना ना ले जाइए ले जाइयो लेंसेज भी मिल गए थे वी रोमड आउट द होल कराची एंड वी शॉट कराची हैप्पी स्माइलिंग फेसिस पठान वर्कर्स ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स एवरी वन एंड जैजी एडिडेटेड वीडियो वीडियो स्टार्ट होती थी हैप्पी इन कराची पहला ट्राइटल आता था दूसरा ट्राइटल आता था बाय समी फिर वीडियो स्टार्ट होती थी हमने पोस्ट की एंड आई वेंट टू डॉक्यूमेंट्री की छूट कही इस्लामाबाद दिस वॉज ड्यूरिंग आर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद चला गया इस्लामाबाद में चौथ पोस्टिंग के पांचवे छठे दिन जज़ी का फोन आया अबे समी सुन ना क्या हुआ अबे हमारी वीडियो यूएस एंबेसी ने शेयर की है बोला क्या बोला हाँ फेसबुक पे जा मैं फेसबुक पे गया तो जाजी के प्रोफाइल से जो वीडियो हमने अपलोड की थी हैप्पी इन कराची बाय समी एंड जाजी वो यूएस एंबेसी ने शेयर की और उसके कोई 20000 शेयर कलेक्टिवली मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अपलोड हुई हुई मल्टीपल लोगों ने अपलोड की हुई डाउनलोड कर करके और वो मतलब वायरल वीडियो ना हैप्पी इन कराची और यूएस एम्बेसी शेयर कर रही है आप सोचे ना यूएस एम्बेसी पाकिस्तान शेयर कर रही है तो आपके लिए तो आपने बोला भैंस का ये क्या हो गया तो हम बहुत खुश हुए उस वक्त तक हमने बेकार फिल्म नहीं क्रिएट किया था तो फिर बाद में हमने फिर बेकार फिल्म क्रिएट किया हमने फिर हम बैठ के सोचते यार सोच अगर हमने बेकार वाइन से शेयर की होती और बेकार वाइन से इतनी चीजें सोच हम कहाँ होते खैर वो फिर बेकार वाइंस क्रिएट हुआ वा, तो शुरू में हमारी यूनिवर्सिटी में लोगों को बहुत पसंद आई फिर फिर खैर फिर, फिर वहाँ से बेकार फिल्म जर्नी स्टार्ट right. फिर मुबीन जॉइंड इन लेटर ऑन अच्छा मुबीन वॉज नॉट इनिशियली पार्ट ऑफ इट ही वॉज ऑलवेज बिजी फिर मुबीन की जॉइनिंग भी एक कहानी है बट uh, फिर मुबीन जॉइंट इन ही हैड मल्टीपल आइडियाज़ रिसोर्स उस बेचारे का ऑफिस बहुत यूज़ किया हमने फिर वेर वाई वेर आई वॉज़ वर्किंग हमने वो ऑफिस बहुत यूज़ किया एंड ऑबियसली आई वॉट लकी के मेरे जितने बॉसिस थे दे हेल्प मी नॉट दिस अलाउड मी टू डू वट आई वॉन्ट टू डू दे इन नोइंगट कभी परमिशन चाहिए कभी कैमरा चाहिए कभी कुछ चाहिए लोकेशन चाहिए कर लो कर लो एंड वर्किंग ऑन द साइड याज देर बिन एमेंट्स दरमियान में जिसने अपने जॉब छोड़ी और बस बेकार सेवनटीन एंड Me and Jazzy both were working our jobs, full time jobs. I was working on a film in Hum TV, mm. Hum Films. Uh, in 2017, I, I left that Hum film. Films. Not Hum Films, MD Films. It's a subsidiary of Hum Films. Concept movie TV? Parvaja e Moon. Right. So I did that. After that, I was offered superstar. Have you heard done right. that yeah, movie? Yeah, so yeah. I was offered superstar. I left that. I said, no, I don't want to make it. And you were working as an AD over there? Associate director. Right. And Jazzy was working as a producer in a big time. Agency, so he was a producer over there, he was in charge of multiple ads of that time. Uh, so, by the end of 2017, we realized that we are making enough money that we can leave this and you know do, do our full, -time, full time, full time Bikar Films. Right. So, and Mubin simultaneously full time he kar raha tha uska jo office tha wo technically Bikar Films ka office bhi tha So, Mubin bhi phir full time is kita 2017 onwards, we full time. Films. Interesting. Bikar Films, core uh, I'd say Bikar Films is mm. taking a break. Okay. For now. Is it shelved? Um, no, not shelved, uh, but it's taking a break. Uh, basically, it's a. I'd say it's a transformation period for us. We are transforming mm. from. Like we did before as well. Uh, we were. Initially, we started with a wine creator, Karachi Wines, uh, Bikar Wines. <laughs> that's what people call us. That's what people call us. I don't know why, but okay. Right. Uh, so that's what we started, Bicar Wines. Then we transformed it into Bikar Films because we were not making short wines. We were making more of three, four, five, seven minutes sketches. Of sorts, uh, sketches, yeah. yeah. So that's why we said these are short films, not or short form content, not right, not long-form content, uh, not short form content. Right. So we change it to bikar Films. So now what we have planned is to convert it into a web series platform. Right. right? And for that, you need two things. A, the money, obviously, mm. because creating web series is not an easy or 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 less expensive task. Secondly, the time. Mm. bikar films jab tak sketches banarata, we could make two or three sketches in a week and post it mm. but when we talk about um, when we talk about web series that takes around 2-3 months to create and that goes about for a month or two maximum then you need to take another break of 2-3 months

आम, का बायन कह लें कि व्यूअर अब देखना भी चाहता है वो एक कैल्यूशन होती है कंज्यूमर की आ, हर इंडस्ट्री में होती है इंडिया में भी हुई हम आहिस्ता आहिस्ताफ़ी है कि उस तरफ जा रहे हैं आम, और फिर जब व्यूअर होता है तो फिर डिमांड साइड क्रिएट होती है तो फिर प्लेटफॉर्म्स आते हैं तो जो मोनरटाइजेशन है वो इन अ वेट ऑफ बिगिन में विट स्टिल स्ट्रक देर खासतौर पर हमारा व्यूअर मैं बोल दूँगा जब भी कार वस क्रिएट किया था तो जो बच्चा नौ साल का दस साल का था हाँ, वो आज अट्ठारह साल का है ठीक है और वो अट्ठारह साल में वो नेटफ्लिक्स भी देखता है सोनी mm. लिव uh, भी देखता है जी फाइव भी देखता है प्लस भी देखता है और वो शायद अब स्केचेस कम देखता है mm. अब वो वेब सीरीज भी देखना ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि ओवरऑल जेनेरिकली चेंज हुआ है प्लस उसका एज अब उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो इवॉल्व हो गई हाँ वी स्टिल फाइंड पीपल जो कहते हैं यार मैं आई एम द फर्स्ट व्यूअर मैं उस वक्त से देख रहा हूँ जब आपने वो वीडियो बनाई थी mm. या मैं वो वीडियो देखता हूँ आज तक मैं वो वीडियो देखता हूँ एंड वही लोग हैं जो भंडोगिया फाइव तक देखते हैं भंडोगिया के चार सीजन आ गए यार दैट वी क्रिएटिंग भंडोगिया फॉर फाइव ईयरस एंड एवरीबडी लवस दैट एवरीबडी आस्क फॉर इट इन रमजान क्या रमजान में भंडोगिया आना चाहिए right. तो आर व्यूअर्स हैज ऑल्सो इवॉल्व पैसेज ऑफ टाइम सेम ग पाकिस्तान में द ओनली problem I faced when I created another channel you know about that uh, was that for those who don't know hmm. ha, the channel is called imagine nation pictures uh, hmm. on that I create web series mostly uh, so Pakistan mein what I faced uh, during because I created my first web series on bekar Films then I created this channel so what we faced is that the brands are not in for the long-term कॉन्ट्रैक्ट्स दे वॉन्ट ये कैंपेन आइए विच विल रन फॉर टू मंथ्स सो वी वॉन्ट समथिंग इन दीज टू मंथ्स आ वेब सीरीज के नॉट बी प्रोड्यूस इन टू मंथ्स इट कैन मे बी लेटर ऑन बट राइट नाउ वी नॉट एट दौ महीने में वेब सीरीज सोच के लिख के शूट करके पोस्ट करके पोस्ट रिलीज भी कर सकते राइट नाउ वी कैनॉट डू दैट एंड स्पेसिफिकली टू दैट कैंपेन

ठीक mm. है एंड इट क्रिएटेड द होल वेब सीरीज सीन इन इंडिया उससे पहले वेब सीरीज सीन बहुत कम था इंडिया में परमानेंट रूमेट्स वॉज द बेंचमार्क सेटर इंडियन वेब सीरीज का ऑन यूट्यूब फॉर मी फॉर मी दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन लिटिल थिंग्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं उसका रीजन बताऊँ uh, वो, वो किसका है वो है फिल्टर कॉपी का फिल्टर कॉपी करा ठीक है फिल्टर कॉपी से फिल्टर कॉपी जिस ग्रुप का है दैट इज पॉकेट एसिस पॉकेट एसिस कौन लोग हैं पॉकेट एसिस थ्री और फोर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन यू एस इंडियन ऑल थ्री ऑफ देम और फोर ऑफ देम आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली प्लीज़ डू सम रिसर्च डायस मुझे भी नहीं पता <laughs> याद मैं भूल गया मैंने पढ़ा था पूरा पेपर पर पे, मैं भूल गया आई हैव ए फिश गोल्ड फिश मेमरी तो पॉकेट एसिस वॉज क्रिएटेड विद थ्री इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जिन्होंने गए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिक्योर की विथ टाइगर फंड्स नाम है या क्या है उसका इन्वेस्टमेंट ग्रुप कॉल्ड टाइगर इन्वेस्टमेंट से आई रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या टेन मिलियन डॉलर राइट सो बेसिकली अप्रेड द्रिएटेड थ्री चैनल्स राइट और वन आफ्टर आई एम नॉट श्योर के एक साथ क्रिएट किया था या एक के बाद एक क्रिएट किया था दे क्रिएटेड थ्री चैनल्स राइट फिल्टर कॉपी डाइस मीडिया दर्ड वन आई डोंबर तो दे वर मेकिंग इट और बिल्डिंग इट लाइक एन इंडस्ट्री हाउ हाउ डज एन इंडस्ट्री वर्क ये चैनल ये काम करेगा इसकी ये ये टीम होगी अलग करो ये चैनल ये काम करेगा का, इसकी, का, इसकी ये ये टीम होगी अलग करो ये चैनल ये काम करेगा इसकी ये ये चीज़ होगी ज़ाहिर उन्होंने ये सिलेक्की वेब सीरीज कंटेंट चाहिए फैशन uh, या क्या कहोगे लाइफस्टाइल कंटेंट चाहिए या और गर्ल रिलेटेड गर्ल यापा टाइप गर्ल्स रिलेटेड चैनल चाहिए उसके अलग mm -hmm. नहीं और फिर उन्होंने सेपरेट टीम्स दी और उनको फुल तॉटल दे दिया शुरू में जाहिर है देखो एनी स्मार्ट बिजनेस मैन विल डू द सेम थिंग अगर आई नो के अ प्रोडक्ट इज

Um, दूसरा ने क्या कहा था ऑडियंस बेसिकली एक मनी है एक इको सिस्टम है स्टार्ट में आपने दो चीजें आइडेंटिफाई की थी कि पैसा एक तो नहीं एग्जिस्ट करता टाइम देखो सबसे पहले पैसा एक जरूरी चीज है बट उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन रखना केयर दिस प्रोडक्ट कैन नॉट भी एग्जीक्यूटेड इन वन मंथ फॉर योर कैंपेन राइट यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ही right. है ना कि तीन महीने के कैंपेन इसमें सब काम खत्म करना है ठीक right. है नेक्स्ट क्वार्टर की कोई और कैंपेन डिसाइड हुई ये नहीं हो सकता यू हैव टू थिंक अबाउट इट के आर ओके बाई द एंड ऑफ द ईयर मैंने ये कॉन्टेंट अपने ब्रांड के साथ डालना और मेरे ब्रांड को इससे ये फायदा होगा hmm. अगर ये कॉन्टेंट इतना अच्छा हो गया मेक सेंस मेरा क्वेश्चन लार्जली ये है यू सी इन ग्रीन ग्रीन Um, बट मोर देन दैट I saw you know the web series that you guys did as well, which um, and which is taking comedy and then taking scaling that up in terms of production. Pakistan, we have that comedy has worked both in terms of sketches or vines or this or that. Yeah. What has really been missed? Again, little things give me the example. If I haven't seen um, permanent roommates. I, I feel like probably would be in the same genre as well. हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा साइड करते हैं किसेंट यूथ कोर नंबर कॉमेडी में यस yes, बट uh, अगर मैं कहता हूँ कि यार ग्रीन जो है वो शोज बना रहा हैं एवरी टाइम आई है मिस फॉर्चून ऑफ वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामा Uh, कोई यू नो माई मदर इन लॉ इज वॉचिंग और मैं देख रहा हूँ साउंड डिजाइन क्या चल रहा है क्या हो रहा है ना ये क्यों इस तरह बहुत अच्छे ड्रामे भी आ गए बट बड़े बड़े मशहूर ड्रामे आपको नजर आ रहा होता है कि बहुत स्लॉपी एफर्ट है mm. मुझे पता है कि न्यू एज क्रिएटर्स लाइक योर सेल्फ को बेटर जॉब एट अली लोअर कॉस्ट राइट सो वो पुराने मीडिया हाउसेज हैं उनका वो पुराना सिस्टम से सेटअप ही है जिसमें वो जो कॉस्ट ना हम बड़े निफ्टी होते हैं अपनी कॉस्ट में mm. कि यार ये जुगाड़ मारो वो जुगाड़ मारो गेट द जॉब डन उनका ये होता है कि यार हमें लाइटिंग ये चाहिए साउंड डिजाइन ये चाहिए इसके लिए चाहिए इतनी बड़ी सौ बंदों की टीम चाहिए और फिर वो पूरी चीज एग्जीक्यूट होगी लिटिल mm. थिंग्स मेरे लिए इस वजह इंटरेस्टिंग था बिकॉज वेन यू लुक एट द फर्स्ट सीजन आपको नजर आ रहा है कि यार इट्स अ बंच ऑफ फोक्स लाइक यू में बनाया भाई यार लड़के लड़के वो इकट्ठे हुए दो मेन कैरेक्टर्स रखो कॉस्ट ऑफ वो कम है रिलेटिबिलिटी के ऊपर गेम खेली हुई है जब वो वायरल हो गया है तब आपने जाके उसके ऊपर स्पेंड किया राइट right? यार दो चीजें देखो लाइक यू एवोल्यूशन वहाँ के राइटर्स आई एम नॉट से हमारे राइटर्स केपेबल नहीं है आई एम सेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ठीक है उनके राइटर्स ने भी शेट कॉन्टेंट बनाया है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट के दे आर इट लीस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स ऑफ अस ठीक है एंड दिस गोज फॉर राइटिंग एज वेल ठीक है उनका राइटर लिटिल थिंग्स आया था 16 में पंद्रह सोलह में हाँ, हाँ, उनका राइटर 2015-16 में वो लिख सकता था हमारा राइटर अब शायद वो लिख सकता है, सकता है हाँ, writing, right? nah, nah, लिख सकता है आपके ख्याल में राइटर अलग है हमारे यहाँ राइटर का रोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है लार्जली एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी आइदर द एक्टर और द डायरेक्टर जो आपको न्यू एज क्रिएटर्स नज़र आ रहे हैं तो आपका राइटर वो फिल्मों वाला ड्रामों वाला है जो कि वही पुराने स्टाइल में उसको पता है मार्केट में क्या बिकता है वो उसी हिसाब से करेक्टर्स लिखता है गरीब लड़की है अमीर लड़का है और वो मैसेज को पसंद आता है या जो न्यू एज के हैं वो वही हैं वो आप जैसे लोग हैं जो कि राइटिंग भी कर रहे हैं यू नो डायरेक्शन भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं आई कॉमेंट यू गेव कि हमारे पास राइटर नहीं एग्जिस्ट करता राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं अच्छा बहुत अच्छा राइटर टेलमी अबाउट सो यू नो यारे बहुत new अच्छे। HK... न्यू एज के भी और पुरानी एज के भी राइटर एग्जिस्ट करते हैं बहुत अच्छे प्रॉब्लम क्या है hmm. प्रॉब्लम यह है कि अगर यूट्यूब नहीं होता तो तुम पॉडकास्ट नहीं शुरू कर पाते यूट्यूब गेव यू द एक्सेस टू पॉडकास्ट राइट अगर मार्केट में हम टीवी AR ए आर वाई जियो एक्सप्रेस ए टी वी ए पांच नाम है ना इन पाँच के पाँच लोग स्क्रिप्ट लेते ही नहीं है वो वाला जो लिटिल थिंग्स का स्क्रिप्ट है तो बेचारा राइटर किसके लिए रखेगा लिखेगा किसके लिए समझ रहे हो वो लिख ही नहीं सकता किसी के लिए क्योंकि इन द एंड हैजू रन हिस्स किचन राइट तो वो बेचारा क्या लिखेगा जो बिक रहा है मैं चैनल्स को भी गलत नहीं बोलूंगा भाई देखो अगर ग्रीन टी वी में अब चेंजेस आ रहे हैं आपको पता है ग्रीन टी वी लॉन्च कब होना था पहले हो रहा था काफ़ी पहले हो रहा था मेरे अंदाजन आठ नौ महीने पहले लॉन्च हो रहा था हाँ दो हज़ार दो हजार तेईस के जो न्यू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री था ना उसमें उनकी सॉफ्ट लॉन्च थी जो कि हुई नहीं थी हाँ ट्वेंटी थ्री का सॉफ्ट लॉन्च तुम कह रहे हो जो नहीं हुई थी भाई वो हाँ। असल में चैनल ने रिलीज होना था ट्वेंटी ट्वेंटी right. बाकी जितने चैनल थे ना सिवाय जियो के क्योंकि जियो के पीछे चलो जंग ग्रुप था बट बाकी जो चैनल थे ना वो कंटेंट बेच बेच के बने वो ये नहीं था कि पैसा पड़ा हुआ था दे मेड देयर ओन मनी पैसा बना बना के बना बना के उन्होंने अपना चैनल को बना बन, बड़ा बनाया नहीं। ऐसा नहीं था कि वो चैनल बस बन गया था या पैसे पड़े हुए थे कॉन्टेंट बन रहा था और फिर पैसा चैनल लॉन्च हुआ है ऐसा किसी चैनल के साथ नहीं था दे मेड देयर मनी एंड देन दे मेड देयर चैनल थ्रू दैट चैनल तो जो ऑडियंस देख रही थी हम सफर देख रही थी तो हम सफर बन रहा था यार अगर आज नौ बजे का शो देखोगे और वो चैनल पर अच्छी रेटिंग आ रही है तो लोग देखने तभी आ रही है ना यार आई एम नॉट सेंग यू के नॉट चेंज द वे और यू के नॉट चेंज द फ्लेवर ऑफ ऑडियंस यू कैन बट यू विल ओनली डू दैट इफ यू इफ यू डोंट गेट बिजनेस वाइल डूइंग द सेम थिंग अभी चैनल को पैसा मिल रहा है वही चीज़ दिखा के

आपकी आदत भी हो चुकी होती है यार वो बेचारा हफ लिटरली कुछ राइटर्स मैं जानता हूँ दो दिन में एक एपिसोड लिखते हैं फोर्टी फोर मिनट्स का mm. तो वो कितना तेज़ है mm. अपने काम में उसका पूरा दिमाग चेंज करना इतना मुश्किल काम फिर आई डोंट नो इफ इट्स रिलेटेड और नॉट बट इन माई ओपीनियन इज हमारे राइटर्स बेचारे ना ट्रैवल नहीं करते दे के नॉट अफोर्ड टू एंड

हाईली पॉसिबल पहले के जमाने में लोग ट्रेवलिंग करते थे मगर किससे पढ़ो तो तुम बोलोगे वो तो पैरिस में रहते थे ऐसा लग रहा है hmm. क्योंकि वो पढ़ते इतना था आई एग्री बट उससे मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन इट कैन बी राइट इट कैन बी रॉन्ग बट फॉर मी इट्स माई पर्सनल ओपिनियन उससे पता है प्रॉब्लम क्या होती है आपके दिमाग में दूसरे की इमेज बैठती है जो इमेज उसने क्रिएट की होती है hmm. मुजम्मिल साहब गए दुबई में और दुबई में रहे शेयरिंग स्पेस पे और मुजम्मिल साहब का शेयरिंग स्पेस था बर्शा हाइट्स में और वो रहे एग्जीक्यूटिव शेयरिंग स्पेस पे और मैंने सिर्फ वही एक नावल पढ़ा मुजम्मिल साहब का सफरनामा वही पढ़ा तो मेरा जो दुबई गलत हाँ। वो गलत नहीं है हाँ। बट वो तुम्हारे परस्पेक्टिव का एक्सपीरियंस है मैंने खुद नहीं एक्सपीरियंस किया कि अजमान में लोग कैसे रहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे राइटर्स जो तुम्हें तुम जो फील करते हो ना कि यार कि हम ऐसा नहीं सोच सकते हम सोच सकते हैं बट हमने उस तरह नर्चर नहीं किया आ, अपने राइटर्स को आइदर वी कूडन अफोर्ड इट और दे कूडन अफोर्ड इट और अब के जो बच्चे तुम देख रहे हो कि तुम कहते हो यार आपके बच्चे शायद इस language. तरह का कंटेंट लिख पाते हैं उसके दो रीजनस है ए नेटफ्लिक्स नहीं था पहले अब है नेटफ्लिक्स right. एक नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो सब जानते हैं तो वैसे तो अब पचासों और प्लेटफॉर्म है फिर अब ट्रैवलिंग कंपेरेटिवली बहुत फ्रीक्वेंट और ईजी हो गई है ठीक right. है पैसे जितने भी हो गए हो बट अब काफी फ्रीक्वेंट और ईजी हो गई है एक तो देखें इसमें यह ना कितना आपको एक्सपोजर है कि आप कितनी क्रिएटिव कहानी लिख सकते हैं uh, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ मिड समर के इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ समथिंग कैन बिकम अ थिंग ऑन डिजिटल इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच इन पुटनो जो उसमें फॉल्ट था ना मेरे एक्सपीरियंस में मिड समर के और जो फॉल्ट था वो ये था कि बच्चे जिन्होंने लिखा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को चैनल किया उसको उन्होंने ग्लैमराइज किया अपने दिमाग में कुछ शोज़ देखे गर्ल देखा थोड़ा सा नाइन ओ टू वन ओ डाल दिया उसके अंदर चार पांच और शोज डाले और एक हाई स्कूल इीटेस्ट हाई स्कूल कर दिया अच्छा नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाते हैं तो हर बंदा कहता है तुम लोगों का कौन सा हाई स्कूल है पागल हो ये हो वो अच्छा मैंने जब ये देखा ना तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था बिकॉज आई रिमेंबर ग्रोइंग अप ऑल द किड्स अराउंड मी वुड वुड वॉच और ये इवन जो इस जनरेशन है वो एलीट दिखती है वो एक स्पेनिश नाइन द सेम थिंग गॉसिप द द सेम थिंग डिफरेंस इन ऑल ऑफ शोज जो जो मिड समर गोसिफ वाले लोग मिस कर गए देखें राइटिंग की क्रिएटिविटी एक पॉइंट पे कमर्शलाइजेशन एक दूसरे पॉइंट पे कमर्शलाइजेशन में ना एक साइंस है और वो साइंस ही है अगेन मैं कहूँगा जो टीवी का ड्रामा है जिसमें गरीब लड़की और अमीर लड़का होता है वो क्या करते हैं वो देखते हैं हमारी ऑडियंस खवातिन है लार्जली मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में तो जो लड़की होती उनका है ना आई, आई, उनका आइडल कौन होगा उसका आईदल, वो पहले लड़की का करेक्टर उसमें बनाते हैं ठीक है जिसके साथ ज्यादतियाँ होती हैं बहुत सारी फिर वो दिखाते हैं एक अमीर लड़का जो कि उसका ख्वाब होता है अच्छा आप गॉसिप गर्ड उठाएं गरीब डैन हमफ्री ठीक है जो कि एक स्कॉलरशिप पे इलीट स्कूल में बैठा हुआ है आप इलीट्स उठाएं स्कॉलरशिप पे बच्चा स्कूल में बैठा हुआ yeah. आप नाइन टू वन होमलेस बच्चे को रखते हैं भेजते हैं is, to, yeah. right? so जो लोग कहते हैं ना कि कौन सा तुम पाकिस्तान दिखा रहे हो वही लोग देखते हैं और पॉपकॉर्न के साथ कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं so हम लोगों ने ना वो साइंसेस ब्रेक किए हैं अपने स्केचेस के अंदर अपनी बहुत सारी और चीजों के अंदर वेब में अभी तक वेब सीरीज में अभी तक हम साइंस नहीं ड्रॉप कर सके जिसमें हम कहें यार कहेटे रिलेटेबिलिटी भी हो बट देर इज अटन लेवल ऑफ फैंटेसी देयर एज वेल टेक्निकली पता क्या हुआ सिंस यू अबाउट समर समर के आई हाफ ऑफ द एपिसोड सॉरी सॉरी वो टेस्ट मेरा नहीं था नॉट इट्स गुड और बैड आई एम जस्ट इट्स

मैंने उसको उस पर भी पर्सनली कॉल की थी मैंने था ये बेस्ट है हाँ। और अभी इसने जो तेली मार्ट और जुबली के साथ सॉरी फॉर द नेम्स तो उनके साथ जो रील बनाई आई सेड दिस इज़ योर वन ऑफ द बेस्ट वर्क बाकी सारा काम वो है जो मुझे पता है दूसरे तो सिर्फ मार रहे हैं। मैं, मैं जानता हूँ ये बट ये काम अच्छा है मजा आया मजे का ठीक है So either that kind, kind of work get famous or the bright can say bright can say huh. that or, or so really midsummer was yeah. that kind of work. No, no, I, I I get it. Look, what I'm saying is so what, we what we saw was what we saw with midsummer chaos was for me, what was interesting was that the platforming now exists where overnight something goes out, there is no hype for good or for bad reason. What the thesis is, okay, if आपने कहा ना दो चीज़ें होती हैं इसका मतलब ये अगर बैड कैन गो दैट वायरल देन दैट मीन्स अ गुड प्रोडक्ट विल गो वायरल एज वेल राइट सो उससे मुझे ये नज़र आया कि अच्छा जी इन्सैशियबल जो हंगर है ना वो आ गई है कंज्यूमर के अंदर वो अच्छे के लिए देखे या बुरे के लिए देखे वो यूट्यूब पर बैठ के दस पंद्रह मिलियन व्यू दे रहा है एक एवरेज हम टी के ड्रामा को और हम टी का ड्रामा जितना वो अगर दस पंद्रह मिलियन व्यू खींच रहा है ना वहाँ पर तो यार मैं सस्ता रेट लगाता हूँ छः डॉलर पर मिलियन पे ठीक है तो पर एपिसोड वो छठ हजार डॉलर तो खेच रहा है तो पैसा तो बना रहे हो ना अच्छा सिर्फ डिजिटल से मैंने टेलीविजन में तो माई क्वेश्चन इज नाउ द मनी प्रॉब्लम थियोरेटिकली टू शो इट जस्ट जस्ट टू बी द फर्स्ट मूवर जो कि दिखा देगा कि ब्रो इज पॉसिबल एंड गोड ये वही पॉडकास्ट आपने थोड़ी देर पहले बोला आपने कहा यूट्यूब आया तो पॉडकास्ट बनी सर नहीं 2020 में जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था ना मुझे अच्छा अच्छा क्रिएटर कॉल के कह रहा था तू पागल है तूने एक टीम हायर की हुई है तुझे 300 व्यूज़ आते हैं तू पॉडकास्ट कर रहे हैं टिकटॉक की दुनिया में और मैं उसको ये कह रहा था सर मुझे तीन साल दे दें कैटलॉग बनाने दें डेटा कहता है कि तीन साल बाद पॉडकास्ट चलेगी इस वक्त डेटा ये कह रहा है कि वेब सीरीज इज गोइंग टू तो बी द बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन देखो नॉट वर्क डन सॉरी टू वर्किंग यू बट देखो जो तुमने बात की ना उस के द हंगर इज देयर यस द हंगर इज देयर बट मुझे ये मेरा इख्तलाफ भी है पाकिस्तानी ऑडियंस से क्या हम कॉमेडी से बाहर नहीं निकल रहे खास तौर पाकिस्तानी ऑडियंस मिड समर के भी इसलिए देख रहे थे ताकि उसका मजाक उड़ा सके क्या हाउ बैड इट इज ठीक है और या उसके इमोशनल मोमेंट पे हम हंस सकें कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है अच्छा एक्टर था सब कुछ अच्छा था जो डायरेक्शन मिल रही थी वो कर रहा था भाई जो राइटिंग थी वो दिख रहा वो उसमें परफॉर्म हाँ, कर रहा था खत्म बट हाँ, हम सिर्फ इसलिए देख रहे थे ताकि हम उसका मजाक उड़ा सकते हैं उसमें कोई कॉमिक एलिमेंट ढूंढ सकेटेंटी थ्री में उसका सीजन टू आया ठीक है ट्वेंटी थोड़ा सा बेहतर था, था वो इतना ट्वेंटी अच्छा, थ्री में ही आई रिलीज दीज कॉल इंटरवर्ड ठीक है ऑन माई माय अदर प्लेटफॉर्म कॉल इमेजिनेशन पिक्चर्स अगेन ब्रांडिंग दोबारा करते हुए स्टडिंग इन द सेम यूनिवर्सिटी सेम क्लास इन फॉलोइंग फॉर इच इधर दैट वॉज द वन लाइनर दैट वॉज द एलिटर पिच लेट जस्ट इज दैट एंड आई Give praise to the brand manager and brand. Bisconi was part of it. Uh, that they they had the guts. It was peak peak COVID time. They were aligned with me, and they gave me the time to to produce something. That series got viral. Okay. The first episode got more than two million views. Achcha. So episode duration is around. 19, minutes. And how much did you do pre-high year? Just organically Organically. viral Very हुई? less. उससे पहले मैंने एक और web series डाली थी board games. उससे before एक हफ्ता पहले उससे मैंने वो web series डाली थी उसको मैंने push भी किया था सब कुछ try किया था कुछ नहीं हुआ उस web series का ठीक है वो product भी बस ठीक था आई एम नॉट इट वॉज बैड इट वॉज ओके ये वेब सीरीज का हुआ ये मेरी डील कोविड से पहले हुई मुझे पैसे कोविड से पहले वाले मिले कोविड से पहले नहीं सॉरी इन्फ्लेशन से पहले डील हुई पैसे इन्फ्लेशन से पहले वाले मिले आई एम आई मे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन इन्फ्लेशन आई हैड नो मनी टू मार्केट इट लिटरली बिकॉज आई कैप्ट मार्जिन ऑफ ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट बिकॉज वरना वो ब्रांड आता ही नहीं hmm. उसको पहले ही नहीं समझ ब्रांड किसी भी ब्रांड को पाकिस्तान में समझ ही नहीं आ रही कि वेब सीरीज क्या है hmm. तो वो ब्रांड आता ही नहीं ब्रांड आई ही इस बेसिस पे कि मैंने इतना कम मार्जिन रख के उसको वेब सीरीज ऑफर की hmm. और जो मेरा मार्जिन था वो खा वो मार्जिन से ज्यादा इन्फ्लेशन मैंने अपनी जेब से पैसा डाला पहला एपिसोड डाला was, मैंने ब्रांड मैनेजर को मैसेज किया मनोला देखें अगर आप पैसे नहीं लगाने वाले मार्केटिंग पे और मैं भी पैसे नहीं लगाने वाले मार्केटिंग में तो ये चलेगी नहीं ये आई डोंट प्रामिस यू डों के नॉट प्रजट तो नहीं है तू भी जानता है हालात तो ये थे कि तेरे पैसे पुल हो जाते वो तो मैं पीछे लग गया तो तुझे पैसे मिल गए ठीक okay, है फिर यू आर पार्ट ऑफ इट राइट यू सिंह देखते हैं मालिक है। दूसरे एपिसोड को रिलीज करने से पहले वी गॉट अबाउट फोर हंड्रेड के व्यूज लाइक हाउ दल हमारी किसी वेब सीरीज में इतने व्यूज नहीं आते क्या, ये हुआ क्या है सेकेंड एपिसोड रिलीज किया फर्स्ट एपिसोड वॉज एट वन पॉइंट टू थ्री मिलियन लाइक ये हो क्या रहे uh. व्यूज आ कहाँ से रहे पाकिस्तान में तो हम वायरल ही नहीं है क्योंकि अगर पाकिस्तान में वायरल होंगे uh. तो पाकिस्तानी ऑडियंस आएगी ना उनके पास हाँ uh. क्या ग्रेट काम क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे आपको रिस्पॉन्स से पता चल जाता है हाँ, कि यार हाँ, uh, हाँ, आपके दिखना एक चार्टर चार्टर है, होता तो, है, like, समझ आ जाता है आपको पाकिस्तान से तो कोई आ ही नहीं है हाँ, हम गए ऑडियंस में 79% ऑडियंस इंडियन थी इंटरेस्टिंग

तो मैंने बोला यार रिदा याद है वो क्लास में होता था देख वो वो कुछ नहीं बोलता था मगर वो उसके ये चल रहा होता होगा दिमाग में कैरेक्टर्स वहां से डेवलप किए हमने अपनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ऑफ 2010 थाउजेंड टेन ट्वेंथेंथ थर्टीन तक हम यूनिवर्सिटी में थे कैरेक्टर तब का था यार यानी कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता होगा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में राइट बट पाकिस्तानी ने नहीं देखा वो Uh. देखा किसने इंडियन ने uh. हम ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि हमने कैरेक्टर का एक कैरेक्टर जो लड़का था उसका नाम रामेश रखा था हालांकि uh. रामेश इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है पाकिस्तान का uh. हमने नाम रामेश रखा था इंडियन वॉज कि अरे रमेश नाम नहीं है इसका अरे रामेश नाम है इसका अरे रमेश नहीं है एवरी सिंगल कॉमेंट इन द स्टार्ट फॉर फर्स्ट टू एपिसोड बॉस ये कहा शूट हुई है इंडिया में दे वो रिलेटिंग टू इट दैट मीन्स द ऑडियंस इज सेम अगर मैं 2010 से 13 की यूनिवर्सिटी में उस कैरेक्टर से रिलेट कर सकता हूँ और अभी इंडिया में यूनिवर्सिटी जाते हुए बच्चे रिलेट कर सकते हैं दैट मीन्स हम यूनिवर्सिटी लाइफ में सिमिलर है काफी hmm. हमारे कैरेक्टर्स हमारा बोल चोल हमारा लोगों से इंटरैक्शन सिमिलर है काफी बट पाकिस्तानी इज वर्ल्ड नॉट वॉचिंग इट Rima, who were my they were not famous. Famous Rima was had hundred k followers or ninety k followers. The other guy, what was his name? Sorry, I have your name. How it much did it cost for the entire series? Eight episodes? Yeah, it had eight episode. It cost me around three point five million. Interesting. BKR. Did you make uh, that money from the YouTube ad? YouTube no AdSense? Nope. No. Nope. So the business case is, doesn't exist. I made. if Bisconti had probably twenty, twenty, thirty percent, very less. Mm. But that was not because uh, that was not because uh, it did not have the potential. It did only if I I could make another series after that, and after that, and after that. The best part of YouTube is 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 this that that this is passive income. Mm. सारी जिंदगी पैसा आता रहेगा यार mm. आज तक बेकार फिल्म की सबसे ज्यादा कमाने वाली वीडियो है बाइकर्स इन कराची

तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं बिकॉज mm -hmm. हर किसी के ड्रामे भी बर्दाश्त करने होते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ और फिर so so कर जब अपने एज अ यू नो वैन यू वर्किंग एज अर एज सिंगल ब्रेन बट दैन एवरी परसन हैजर ओन इंडिविजुअलिटी देर ओन रिक्वयरमेंट्स के ये करना चाहता हूँ क्रिएट्स एज वेल लास्ट का अपल ईयर्स ने कहा गोइंग थ्रू ट्रांजेक्शन आउटसाइडर आई सो यू going into sort of web series filmmaking. I saw Ghazanfar and Rida go into sort of Instagram reels, doing the same thing but creating more relatable content of um, couples, couples yeah. and kids and Life गे, गे, lifestyle. Sara, sara lifestyle, ha, wo a gaya. Mubin bhai jo hai wo TikTok pe chale gaye aur food pe chale gaye. एक तो वो ट्रांजेक्शन हम देख ही रहे थे hmm. कि जिसमें हर आर्टिस्ट अपने आप को अपने तरीके से एक्सप्लोर कर, कर, कर रहा है hmm. um, फिर हमने देखा एक इकोनॉमिक्स का element आया उसको economics कह लें Uh, I, I wouldn't say it was just economics. I would say it was also a, a, a cultural shift. where being in Pakistan became increasingly difficult for the mental health as well. <laughs> uh Jesme, came out to Dubai, you came out to Dubai, Mubeen, I think is still back in Pakistan. Yeah. Um, and a lot of creators did, right? So Sonia is here, I'm here, um Daniel Golden visa liya, Daki Dakina Golden Visa liya. It, It's been an exodus. Yeah, yeah. Um and री ईजी बिकॉज आप निकलते हो और आप आते हो और यू नो जिंदगी बेहतरीन मैटर इज के हर पॉइंट पर जब इंसान फोकस्ड होता है ना और अच्छा जा रहा होता है सिस्टम तो आपने ना अगले दस साल की एक, एक projection. सी प्रोजेक्शन की हुई होती uh -huh. है um, और इस वक्त एवरी क्रिएटर नॉट जस्ट एवरी क्रिएटर इनफैक्ट एवरी परसन दर आई एम स्पीकिंग टू

और वी अंडरस्टूड दुनिया में ये होता है लोग ऐसे होते हैं पैसा ऐसे बनता है सिस्टम ऐसे चलता है वो ना सारा शेक हुआ के यार मुझे पर्सनली ये फील होता है दिख रहे हैं वो दिखना था अगर कोई ये सोच के बैठा के था कि नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी तो अच्छे से गुजर गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो और अच्छा जा रहा है तो ये आपकी भूल थी वो होना था हाँ। भाई एक साल आपका डिस्टर्ब हुआ था तो कोई प्रॉब्लम तो आना था और ये प्रोजेक्टेड था कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में प्रॉब्लम होंगे तो यस द एलिमेंट ऑफ हाँ द एलिमेंट ऑफ एटमोस्फियर ऑफ वर्ल्ड इज इन्वॉल्व बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि the age i'm at now uh, the age of 29 to 33 is the most confusing age mm. i believe mm. and since we know a lot of people or probably 80% of people we know are of the same age or or somewhere ah. nearby so all confused. am confused it's like you we we all are in the same age yeah. and we are all are we all are thinking of

सो दे इज अ कॉन्प्ट ऑफ ए ट्वेंटी अगर तुम्हारे पास सौ कपड़े हैं तो उनमें से बीस कपड़े हैं जो तुम ज्यादातर यूज करते हो और अस्सी नहीं यूज करते अगर तुम सौ रुपए खर्च मतलब तुम्हारी इनकम सौ रुपए है तो अस्सी रुपए एक जगह से आती है और बीस रुपए बाकी जगहों से आती है तो एवरीथिंग इन लाइफ इज डिवाइडेड लाइक दैट कि एटी परसेंट एक जगह होता है और ट्वेंटी परसेंट जो रहे यूज आपका मतलब बेसिकली यू आर डिपेंडिंग ऑन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द क्लाइंट फॉर रेस्ट ऑफ द एटी परसेंट ऐसा ही होता है तो मुझे लगता है कि ट्वेंटी ट्वेंटी जब हम बीस से तेईस चौबीस साल की उम्र तक थे तो वी वॉन्टेड टू बी समिंग राइट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड गेटिंग समथिंग फ्रॉम ट्वेंटी एट वाइक जो बोल हमारे अब जो बेचारे टीवी आर्टिस्ट है उनके लिए मैं हानिया मेरे साथ फिल्म शूट कर रहा था ठीक है और हम किसी स्कूल में थे मरी में और हम वहाँ फिल्म शूट कर रहे थे और बच्चे आके दो लोगों के साथ तस्वीर ले लेते थे एक हमज़ा अली अब्बासी था और एक समीर रहमान था और वो बच्चा मैट्रिक तक का बच्चा था वहाँ स्कूल में और वो सिर्फ आके या मेरे से तस्वीर लेता था या हमजा अली अब्बासी से तस्वीर लेता था वो हानिया मेरे को जानता भी नहीं था क्योंकि हानिया मैंने उस वक्त तक बहुत कम ही कुछ किया था बहुत कम ही कुछ किया तो इमेजिन के हमजा भाई के साथ तस्वीर ले रहे हैं लोग और आपके साथ ले uh. तो यू एट दीक वाह होता है ये कि आपका जो ग्रेजुअल इंक्लाइन uh, है वो hmm. कहीं जाके uh, क्या कहूंगा फ्लैट uh, होता है ट्रेजिक्ट्री फ्लैट इन्स जब वो फ्लैट होती है तब सबसे ज्यादा हम लोग एटलीस्ट मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ तुम्हारी और मेरी हम लोग सबसे ज्यादा उस वक्त फील करते हैं क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था ना वहां से 28, 29 इयर्स की एज तक ना हमने जो ट्रिजेक्टरी देखी है, वो 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 है। हाँ। 50, का पहला क्लाइंट था पचास का दूसरा लाख का तीसरा पंद्रह लाख भी चार्ज कर लिए फिर किसी से राइट तो इट्स गोइंग अप 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 जब किया था अपना ठीक है अब जैसे ही वो ट्रिजक्टरी क्या कहूँगा फ्लैटन हुई और देर आर मोर पीपल कमिंग अप ठीक है नए क्रिएटर्स नए बच्चे आ रहे हैं टैलेंट कंटेंट क्योंकि उनको नर्चर का और टाइम मिला हाँ. तुम्हारे मेरे टाइम पे हम तो रहे के, रहे ना? हम बाहर के क्रिएटर को देखते थे राइट हाँ. अपना क्रिएटर को नहीं था अब के बच्चे इरफान को देखते तुमको मुझको कंटेंट अपनों में उनके बाहर का भी हो रहा है। और अपनों में भी उनके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा कॉन्टेंट हमारे टाइम पे यूट्यूब पे तो कोई था ही नहीं हमने तो खुद ही क्रिएट किया तो अपने उनके पास तो एग्जाम्पल थी तो उनका कॉन्टेंट हमसे बेहतर हो गया अब जब हमसे बेहतर हुआ तो उनके पास भी ब्रांड जाना शुरू हुआ तो ब्रांड भाई एक 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 मार्केटिंग गुरु है या एक एक ब्रांड है जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है अब वो मुजम्मिल बेचे के समी बेचे उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो बेहतर बेचेगा उसके पास जाएंगे तो अगर उनको एक और बेहतर जगह से कॉन्टेंट देखना शुरू हुआ तो आप आई एम नॉट से इंग रिस्क ने सबका उसके लिए लिख दिया है बट पॉइंट ये कि ज़ाहिर है आपके पास से थोड़ा अब एक ब्रांड जो सौ रुपये खर्च करता था दो लोगों पे

की गलती भी नहीं थी हाँ। आपकी इकोनॉमी आपकी आपकी नेटवर्थ आधी हो गई पहली बात जितना भी हम कर लें कि हम YouTube से इतना नहीं कमा रहे वी आर नॉट वी नॉट डेली पोस्टर्स ऑफ द वीडियो ठीक है जो डेली कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं वो मे बी दे आर अर्निंग गुड बट हम वी आर नॉट दैट तो हमें एक बैक तो पहले ही था कि यार हम YouTube से उतना नहीं कमाते हम ब्रांड्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं अब ब्रांड्स ब्रांड्स को को भी अच्छा खासा झटका पड़ा जब इकॉनमी गिरी हाँ. तो ब्रांड ने जो सौ रुपये चार में डिवाइड होकर पच्चीस पच्चीस हो गया था उसने पहले ही बजट पचास कर दिया हाँ. और अब वो दस में कर दिया हुँ. तो जब पच्चीस की कॉस्ट पांच पे आ गई जो पचास की थी एक्चुअली तो अगर आप सौ कमाते थे तो आप, आप दस कमा रहे हो दैट आई बिलीव अस

देर आर लॉट ऑफ पीपल पर्टिकुलरली एक्टर्स जो कि आते हैं आ, और, और इसमें मेरा एक थीसिस है इंसान जो है ना वो सेल्फिशली इंसान की सेल्फिश वांट्स होती हैं सेल्फलेस वांट्स होती हैं सेल्फलेस हर कोई बताता है आगे के, कैमरे बताता है कि जी मैं तो दुनिया बदलना चाहता हूँ मैं ये लेकिन हर किसी की सेल्फिश वांट्स होती हैं और वो जनरली मैं डिफाइन करता हूँ तीन पीस है या पॉपुलरिटी होती है या पैसा होता है या पावर होता है ठीक है मीडिया इंडस्ट्री में जो एक्टर्स होते हैं ना उनकी लार्जली

कभी इतना पैसा आ जाएगा कभी इतनी पावर आ जाएगी लॉर्ड वेस्ट पावर भी आई आम, उसमें जब हमें इस था इस था ये चीजें मिली ना तो ना चाहते हुए भी सब अच्छे घरों के थे खासकर जो जनरली सब अच्छे घरों के होते हैं बट जो हमारे गर्द क्रिएटर्स हैं अच्छे यू नो फैमिलीज के हमें फैमिलीज ने बताया कि दिमाग ना खराब करना एरोगेंट ना होना ये ना होना वो ना होना तो हमने अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये रिपीट भी करवाया राइट के यार ठीक है शोहरत है वट लेकिन वो नहीं लेकिन अब मैं देखता हूँ ना कहीं ना कहीं वो सीप इन करती है यार एक जवान लड़का है बाईस तेईस चौबीस पच्चीस साल का उसको जब यू एस एम शेयर कर रही है सडनली मीडिया में वो आ रहा है अच्छा जी लोग आके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं सेल्फियाँ आ रही हैं आपको यूनिवर्सिटियाँ बुलाया जा रहे हैं आप एंटर होते हो क्राउड तारियाँ बजा रहे सर्टन फॉल सेंस ऑफ ग्रैंडियोर जो आपको ना फीड होता जाता है जब लोग आके आपको कहते हैं कि सर आप तो बहुत बड़े किंग हैं आप तो बहुत बड़े किंग हैं आप शीशे पर जितना भी बोलते रहो कि सर देखो नहीं 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 होना है ना होना है वो आता है अच्छा उसके बाद ना एक ग्रोथ आती 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 है जिसमें आप सबकॉन्शियस में आप ये समझने लगते हो कि ये नॉर्मल है राइट right? और फिर उस ग्रोथ के बाद आता है टिप एंड आई वाज टॉकिंग टू दानियाल फ्रॉम कराची अदर एंडिया सेट की जी लास्ट ईयर वाज वेरी डिप्रेसिंग मैं जो है जी मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे और सारा कुछ हो रहा था एवरी क्रिएटर आई स्पीक टू द द सेम सेम थिंग थिंग इज राइट चाहे उसने लास्ट ईयर किया चाहे पिछले पांच साल में कभी ना कभी उसका वो मोमेंट आया है जिसमें पब्लिक को ये था कि यार देखो ओहो हो जी इसका तो सीन ऑन है और वो बैठा है घर पे और वो कह रहा है कि यार मैं क्या मेरी ज़िंदगी की रियलिटी क्योंकि मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड के जो क्रिएटर बना है इस जनरेशन में वो कोई आसान नहीं है बनना कोई कंप्लीटली नई चीज है क्रेजी ऑफ लोगों का फीडबैक आपको सुबह शाम मिल रहा है हर बंदा आपको कोई सर पे चढ़ा रहा है कोई जमीन में गाड़ रहा है mm. और सुबह शाम आपको उसको मैनेज करना है कोई मार्केट में बड़ा बंदा नहीं है जो आके आपको कह रहा है कि यू you नो know इन हालात में ना तुम्हें यह करना चाहिए कोई नहीं था हमारे पास यार तो इसकी जो मेंटल हेल्थ पहला क्वेश्चन डिड यू गो थ्रू दैम दूसरा क्वेश्चन हाउ डिड यू मैनेज दैट बिकॉज को करते ना, जो अकाउंटेंट है, hmm. तो है, है? तो तो है तो यार यहा है तू पागल है इंटरेस्ट नहीं है यू नो मेरा तो इंटरेस्ट मतलब मुझे समझ नहीं आ रही बट मेरी किस्मत अच्छी है अल्लाह का शुक्र है वो इसलिए कि द फर्स्ट द सेकेंड फिल्म आई डिड विच वॉज कॉल्ड मालिक उसके डायरेक्टर थे आशिर अजीम साहब एंड आई बिलीव ही वेंट थ्रू दिस इन ए पीक टाइम वेन ही दू हाँ दुआ के बाद ही वॉज सुपर स्टार और साइमल अ पब्लिक सर्वेंट तो ही वेंट थ्रू दैट एंड ही गेव मी अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिज ओन ही सैट दे के बस एक कोशिश करना समय तीन कैमरे होते हैं एक होता है मास्टर एक होता है लेफ्ट पे सोलो एक होता है राइट पे सोलो वो पुरानी टीवी वाली एग्जांपल दी उन्होंने कि तीन कैमरे लगे होते हैं एक कैमरा ऑन हो जाता है चौथा जो आपके दिमाग में ऑन हो जाता है तो बोलते हैं मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कि उनके दिमाग में चौथा कैमरा ऑन हो जाता है वो जहाँ जाते हैं तो ओ यार तो मुझे नहीं जानते या उनको लगता है हर वक्त कोई उनकी तस्वीर खींच रहा है या उनको लगता है अपने आप में ना वो चौथा कैमरा ऑन कर लेते हैं कि देर इज अ कैमरा ऑलवेज ऑन दम तो बोले तो उन्होंने मुझे बहुत बिकॉज ही सॉ के वी आर डूइंग वी आर मेकिंग आशर्य के साथ जाते थे तो लोग बोलते अरे आप भी आप कुछ आप कुछ देखा है hmm. तो आशर्य बोलते हैं हाँ हाँ ये बनाता है ना बेकार क्वाइंस इसके साथ भी तस्वीर लो तो आशर्य हमेशा इस तरह हमें पुश करते थे तो, तो वो ही सॉस तो उस पर उन्होंने मुझे हमेशा ये एडवाइस की थी कि चौथा कैमरा नहीं ऑन होने देना अपना mm. कोशिश करना है ऑलवेज कीप अ चेक ऑन यू कि कहीं ये मैं इसलिए तो नहीं कर रहा बिकॉज आई एम फेमस या कहीं मैं इसलिए इस तरह बिहेव तो नहीं करना कैमरा इज वाचिंग मी एंड आई शुड एक्ट दिस वे बी ओरिजिनल जैसे हो mm. वैसे रहो mm. ये नहीं सोचना कि चौथा एक कैमरा तो मैं हमेशा देख रहा है mm. तो दैट हेल्प मी अलॉड थ्रू आउट माई माई फेम जर्नी आई नेवर वॉन्टेड आई एम द एवरीबडी नोज आई हेट फेम mm. I'm a very introvert kind of a person. I keep my personal life very private. तो दैट हैज इट्स फ्लॉज But वो आपकी अपनी inbuilt nature होती है मुझे लगता है तो मेरी nature हमेशा से ना बड़ी वो होती है तो आई नेवर गेव इन टू के कॉमेंट्स क्या आ रहे हैं कि इस पर कितने लाइक्स आए या कितनी शेयर mm. हुई या कितनी व्यूड हुई आई नेवर गेव इन टू दैट आई ऑलवेज केप्ट वीडियो पोस्ट हो गई अब मैं नहीं देखूंगा येस वीडियो को मार्केट कैसे करना है आई एम पार्ट आई कैन मे एक आई कैन मे एक अ ग्रेट स्ट्रैटी फॉर यू आई कैन बी अ ग्रेट सोशल मीडिया कंसल्टेंट आई कैन टेल यू एग्जैक्टली वेर एंड वॉट टू डू वॉट विल मेक समथिंग आई कैन टेल यू एग्जैक्टली बट आई नवर ये क्या कमेंट आ रहा है किसी ने समी की नाक को बुरा तो नहीं कह दिया

महीने में एक वीडियो आ गई तो वाह यार ट्रेंडिंग पे आ गए सो आई फेल्ट इट बट प्रॉब्ली इट डेर इन बॉदर मी जब हम वन पे गए सो इट वॉज एन अ बिग डील फॉर मी ओ ट्रेंडिंग नंबर वन हूं मैं जी आई इट वॉज ओके ट्रेंडिंग नंबर वन ठीक है पीपल लाइक इट आई तो प्रॉब्ली दैट हेल्प मी बट ये आई डेड वेंट थ्रू दैट फेज स्पेशली इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बट खैर हमारे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ये फेज फेस करने के रीजन वो नहीं है हमारी तो देर वॉज लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग इन आर ग्रुप डाजी वर फ्लाइंग आउट एंड दे वर प्लानिंग टू डू दिस फॉर अ अयर इस साल एग्जीक्यूट किया उन्होंने माई वाइफ वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्राम दुबई वॉज वेरी हैक्टिक फॉर अस आई दर आई टू बी और शी फ्लाई इन

बिजली के बिल्स वेंट अप लाइक क्रेजी कराची में खासतौर पे आई डोंट नो बाहर की जगहों का क्या था बट इट वाज क्रेजी बिजली के बिल्स खैर वी सरवाइविल्ला बट यू नो तो इट वाज ऑल ऑफ दिस मूवमेंट ट्रैवलिंग एंड एंड माइग्रेशन इकॉनमी गोइंग डाउन यर द मोमेंट इट हिट मी ना सबसे ज्यादा फ़नी स्टोरी मार्च में 2023 या 2022 2022 मार्च 2022 मार्च में राइट आफ्टर रमज़ान मैं मेरी एक पार्टनर कानिया और बेगम साहिबा हमने प्लान किया चलो बाकू चलते हैं हम बाकू चले गए वहाँ बैठे बैठे प्लान हुआ लोग बोलेंगे इतनी प्रिविलेज बात कर रहा हूँ बट भाई ये सालों की मेहनत प्लान थे और सालों की मेहनत थी तो सेविंग्स पड़ी हुई थी और हमने प्रॉब्ली छः सालों से प्लान किया हुआ था तो हम बाकू चले के वहाँ से फाइनली एक प्लान जो हम छः सालों से मैं और मेरे दो कजन्स और उनकी दो वाइफ तो हम तीन कपल्स प्लान कर रहे थे जब से हमारी शादी हुई थी तो टू थाउजेंड से प्लान कर रहे थे कि एक साथ ट्रिप करना है थाईलैंड हम कभी एक साथ ट्रैवल नहीं किया था हमने हमने ये एक प्लान करना था तो बाकू में बैठे बैठे वो प्लान हो गया कि यार ठीक है वापस जाते ही एक हफ़्ते में हमने निकलना है मैंने अपने दोस्त से फ़ोन पे बात की कि यार हमने वीज़ा लगवाने हैं और तू लगवा देगा उसमें लगवा दूंगा पाँच दिनों में सॉरी पता है तो पाँच दिन में लगा दूंगा सब आइडियल हो रहा था ना बाकू गए बाकू से वापस आए एक हफ्ता कराची में पाँच दिन कराची में गुजरे फिर थाईलैंड चले गए पीपल हु नो मी नो कि मैं बहुत आई एम ए सुपर क्रेजी पर्सन अब जब थाईलैंड जा ही रहे थे तो मैंने बोला यार लेट्स शूट अ सीरीज hmm. तो हमने सीरीज भी प्लान कर ली आई एल एक्सटेंड माय स्टे हम सीरीज भी शूट कर लेंगे तू फ्लाई इन कर जाना जब मेरे कजिन फ्लाई आउट करें होंगे तो फ्लाई इन करके आना डीओपी को फ्लाई इन कर लेंगे तो विल शूट अ सीरीज टुगेदर तो ये भी हो जाएगा सब कुछ प्लान कर लिया और वी वेंट टू थाईलैंड स्टेड देयर फॉर अबाउट इन टोटल वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 22 डेज 10 12 दिन का कजनस का ट्रिप था 10 12 दिन की हमने शूट निकाली अब वापस आया मैं सो मिड जून और एंड जून टाइप थिंग मैं गाड़ी का पेट्रोल छोड़ के गया था थर्टी टू हंड्रेड थर्टी थ्री हंड्रेड पर मेरा टैंक फुल होता था ज़ीरो से फुल होता था और मैं आके उसी दिन गया आठ हज़ार एक सौ का टैंक फुल हुआ मेरा सैन मैं डॉलर ले के जो गया था वन सेवेंटी पे डॉलर होगा वन सिक्स सेवेंटी एट सिक्सटी सिक्सटी एट टाइप पे डॉलर था वापस आया हूँ टू फोर्टी पे डॉलर था आई वाज लाइक ये क्या हुआ मतलब दो महीने में दो महीने भी नहीं लिटरली महीना मैंने बोला ये 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 हुआ क्या हाँ. मतलब आपने प्लान किया था ना दो साल के लिए प्लान किया था ओके आई सेविंग्स दिसमस इस तक का ये हो जाएगा फिर वो कोई क्लाइंट आ जाएगा तो वो कुछ दे देगा तो उससे कुछ हो जाएगा प्रोजेक्शन कर लेते हो आप बिजनेस की मुबीन बिजनेस हैंडल करता है तो मुबीन से बात चली थी ठीक है यार दो महीने रफ आएंगे उसके तीसरे महीने में दो क्लाइंट आ जाएंगे तो ये इस तरह मैनेज हो जाएगा वो उस तरह मैनेज हो जाएगा एंड उसके बाद तो इट वॉज ट्रिकल डाउन इफेक्ट बिजली के बिल भरना शुरू हुए सब कुछ यू नो

पहले पूछ रहा है कि अच्छा ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा पेमेंट भी तीन महीने बाद दूंगा अब मतलब दस लाख रुपए की पेमेंट तीन महीने में आती है तो आप बोलते हो ठीक है दस लाख की आ, पेमेंट तीन महीने में आएगी तो अगले तीन महीने के निकल जाएगा तो अभी दस तीन महीने की ब्रिज फाइनेंसिंग कर लेता हूँ सर ये से. भी तो प्रॉब्लम है ना कि हमारी तो पेमेंट्स मुझे पता भी नहीं होता था कि तीन महीने बाद आ रही है छः महीने बाद आ रही है रोलिंग पे चल रहा होता था अब आपको पता है कि यार वो अगला कह रहा है मैं नब्बे दिन बाद दूंगा तो नब्बे दिन में तो मैं तो थर्टी लूज कर चुका हूँ वैल्यू मुझे तो पता ही नहीं है कि डॉलर दो का या तीन का होगा या चार का होगा वॉट हैपन टू मी यार सोच मैं मेरा ब्रांड से पड्डा क्या हुआ सो so, जो मैं ब्रांड प्रमोट करा था अपनी वेब सीरीज पे मैंने शूट किया एडिट किया पोस्ट करने के लिए जब मैंने लास्ट फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा तो उन्होंने मुझे क्या बोला <coughs> पैकेज के ऊपर जो प्राइस है ना वो रिमूव कर दो क्योंकि प्राइस चेंज हो गई है मतलब यार तू अपनी बीस पच्चीस सौ रुपये की केक की प्राइस चेंज कर रही है, हाँ, हाँ. है? और तू मेरे पैसे नहीं बढ़ा रही <laughs> यार तू अपनी पच्चीस रुपए की चीज पे पैसे चेंज करी और तू तु मैं तुझे आठ छह प्रॉमिस किए मैं तुझे आठ दे रहा हूं huh. क्योंकि इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ़ ब्रांड आस्क मी बिकॉज आई वाज नॉट सेटिस्फाइड छ में खत्म करूं मैं आई वांटेड टू मेक एट एपिसोड वो स्टोरी का क्रक्स है huh. yeah. और तू फिर भी मेरे पैसे नहीं बढ़ा रहा <laughs> सर यार देख लें नहीं हो सकता तो मना कर दे पैसे बोलो जाएंगे तेरी मर्जी ऐसा ठीक है अब तो करना है ना करना है तो तो खैर अब समझ रहे हैं ना वो जून जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑनवर्ड्स फ्री फॉल आई रिमेंबर न्यू ईयर्स में आया था आई केम ओवर टू योर स्टूडियो एज वेल वो uh, uh -huh. सब मैंने थोड़ा सा कहा था कि यार मैं सोच रहा हूँ दुबई का मैंने uh -huh. कहा दुबई क्यों भाई कनाडा जा पासपोर्ट ले आईडियली आईडियली वही था बट वो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल व्हाई दे चोज दुबई वाज बिकॉज़ दुबई वाज द Fastest um, to. to relocate they gave us to. Golden visas They gave us golden I mean I haven't Still applied But they I've heard That they're giving it To everyone I got uh, golden visa too So I process But Samir bhai, I'm gonna wrap this up This is Please. One hour 44 minute mark And I know oh. you, <laughs> you have to go as well <laughs> A lot of time Maybe we'll do a

इखलाक इंटरव्यू तो मैं आपको रैंक करूँगा। पीपल डोंट नो बट समी बड़ा कम हमारा इंटरेक्शन हुआ हमारा। है, लेकिन ये बहुत कम भी हुआ और काफी भी हो गया बट एटलीस्ट चार सौ एपिसोड्स करके मैंने मेरी लाइफ का अगर मैं मुझे लोग कहते हैं तुम पॉडकास्टर हो मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं सर आई एम जस्ट अ रीडर ऑफ पीपल बिकॉज दैट्स वॉट आई डू सिटिंग हेयर एंड एंड मेरी रीड हमेशा ये रही है कि यू यूर यूर अ रिमार्केबल ह्यूमन बींग बियॉन्ड द क्रिएटर एंड एवरी थिंग एंड दिस वॉज एन एब्सोलूट प्लेजर टू हैव यू ऑन वॉज अ प्लेजर बाई आई एम एट अ पॉडकास्ट विच इज Top three podcasts of Pakistan, I believe. I, I don't know, maybe. नहीं और है कौन जुनेद भी करते हैं तुम करते हो और अभी बहुत सारे एक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं उनसे इसलिए नहीं कंपेयर करूंगा इट वाज लाइक कि मैं अपने आप को हम टीवी से कंपेयर करूं भाई या इंडी पॉड या एब्सोल्यूट वी नॉट आई एम टीम हायर करके काम नहीं करते अभी दोनों कैमरे तुमने सेटअप किया ये परफेक्ट ऐसा ही है ऐसा ही है फिर सर and for all of you guys thank you so much for watching i hope you episode पसंद aam do share kariye and niche comment section mein jaake bataye what are your thoughts on everything that we discussed uh, particularly if i can solicit a thought from you guys as viewers uh, aap log creators ko dekhte hain aapko creators ki glamorization bhi aati hogi content creation ki ek wo yaar paisa kitna kama rahe hain ya she kitne but do you have you been able to humanize the creator the, the individual behind the performance uh, what are your thoughts how do you see creators when you see them um you know beyond the character that they're playing I would love to hear your thoughts but anyways uh, this was Saeed Muzamilas and Sedi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.